नमस्कार। आज हम लोग आ गए हैं अभी इस वक्त दुर्वासा धाम पे, और ये मंजूसा नदी हमारे पास में आ रही है और ये संगम है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो जहाँ मंदिर है वो टोंस कहलाएगी, और यहाँ से ये कहलाती है तमसा, जैसा स्थानीय लोगों ने मुझे बताया है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सा लग रहा है। मैं आज का इसका सनराइज़ मतलब सूर्योदय इसका मिस कर गया हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर आऊँगा यहाँ पे। तो आइए हम स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं। इधर आइए, थोड़ा रोशनी इधर से अच्छी आएगी। ये मंदिर है, हम जानते हैं कि स्थानीय लोग क्या कहते हैं। सर नमस्कार, इधर आइए बाबा जी, आइए आप माइक ले लीजिए अपने पास, माइक आप बस बोलते रहिए। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मनोज कुमार पांडे जी, इसी गांव से हैं? नहीं नहीं, बगल में गांव है चक्कनवली, जिसको दुबैठा कहा जाता है। माइक और पास ले लीजिए। कौन सी जगह पे? बगल में सरहदी गांव है एक चक्कमरली, उसी में दो बैठा है मौजा, उसी में मेरा गांव। कितनी उम्र होगी सही आपकी? लगभग 49 साल। 49 साल आपकी जिंदगी इसी नदी के आसपास होगी? इसी के आसपास है अपने अपना बड़े हुए बचपन से? हाँ हाँ, तो बचपन मतलब से देख रहे हैं, इसके साथ ही आप बड़े हुए हैं? एकदम एकदम एकदम, इसके हर रूप को देखा। हाँ हाँ, तो मुझे थोड़ा सा पहले परिचय कराइए कि ये जो नदी आ रही है सहायक नदी, ये कौन सी है? देखिए इधर से जो है मंजूसा आ रही है, जिसको मझुई बोलते हैं देहाती भाषा में। क्या बोलते हैं? मझुई। मझुई, मझुई। और ये जो है तमसा आती है, जिसको टमस बोलते हैं जी। और यहाँ भी जो है संगम हुआ है, लेकिन यहाँ पहले जो है ये बहुत गहराई थी यहाँ पे संगम पे जी। लेकिन ये एकदम से पट गया समझ लीजिए, आप पैदल भी उस बार जा सकते हैं। अभी पैदल भी जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, बहुत पानी नहीं है, कम से कम कमर से ज्यादा पानी नहीं होगा मेरे ख्याल से। मुझे बताएं कि जब आप पहली बार जब आपने भूत देखा होगा, समय के साथ जैसे बड़े होते हैं तो चेहरा हमें एक जैसा दिखता है, हम फर्क नहीं कर पाते, लेकिन बाहर वाला आदमी देखता है तो बड़े हो गए। तो इसी तरह पे थोड़ा सा आप बचपन में जाए, और जब आपने पहली बार इस नदी को देखा था तो कैसी लगी हुई? पहले तो बहुत साफ सुथरी नदी थी, पानी कैसा था इसमें? पानी एकदम साफ था, लेकिन अब तो वहाँ से पानी छूटता है। अच्छा, पानी छूटता है? क्यों, कंपनी का पानी छूटता है, गंदा हो जाता है। कहाँ पे कंपनी है? इधर कहीं है, फैजाबाद अंबेडकर नगर के इधर है कहीं। अच्छा, तो ये पानी का उस टाइम जब छूट, पहले जब पानी था तो किस धारा में थी? धारा स्लो थी कि फास्ट थी? नहीं फास्ट धारा थे ये, गर्मी में भी नदी नहीं सूखते थे। गर्मी में भी? हाँ, और साफ पानी हम लोग बचपना में पानी सोता का पानी पीते थे इसका जो है। अच्छा, और का इतना साफ था? हाँ। और ये जो पानी का स्तर था तब कितना होता था आपके, मतलब अभी आज की डेट में देखा जाए? उसमें भी तैर सकते थे आप आसानी से, पार नहीं कर सकते थे, पार नहीं कर? हाँ, गर्मी में भी। हाँ, और सर्दी में क्या हिसाब किताब रहता था? सर्दी में तो पूछिए मत, बराबर रहता था पानी। और बारिश में? बारिश में तो पूरा। अच्छा, तो आपके बचपन में जैसे ये एरिया पूरा खाली सा दिख रहा है, तो इसमें क्या कुछ खेती वेती होती थी उस टाइम? नहीं नहीं, ये जंगल था सब। जंगल था? हाँ, ये सब पूरा जंगल था यहाँ? ये सब तो जंगल था। कुछ पेड़ आपको याद है, कौन कौन से पेड़ थे? ये जंगली जंगली पेड़ थे सब, ढाक वगैरह थे। क्या नाम बता? आम था, महुआ था, जंगली पेड़ ढाक जिसको कहते हैं, पलाश। हाँ, पलाश जिसको कहते हैं। एक आदमी को बोले देते ना तो आवाज आएगी, और धीरे धीरे बोलेगा थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। बब्बूर था? बब्बूर था। हाँ, और यही सब था। और कुछ पेड़ याद है? बैर था। बैर था। हाँ, और ये बांस की खूंटी वगैरह थे। बांस की खूंटियां थी। अच्छा, वो कितनी नजदीक थी इस तलेटी के, मतलब आसपास थे? अब इसको बाबा बताएंगे। बाबा जी, बाबा बाबा जी, बाबा आइए। बाबा जी का, बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओंकार गिरी है। क्या बाबा? ओंकार गिरी। ओंकार गिरी, आप कहाँ से हैं? हम दुर्वासा के ही रहने वाले। इसी धाम से हैं? हाँ। अच्छा, तो कब से हैं यहाँ पे आप? हम लोग यहीं से पुजारी हैं। कई पुजारी जैसे बचपन में आए या फिर पैदाइशी हैं? पैदाइशी हैं हम लोग यहीं पे। तो मतलब आपने इसके साथ ही अपना पूरा टाइमलाइन जो आपकी उम्र का है इसी के साथ में है? तो मुझे बताएं कि जब आप यहाँ पे थे तो जैसे उन्होंने भैया ने कुछ पेड़ों के बारे में बताया, तो ऐसे कुछ और पेड़ और क्या क्या चीजें थी यहाँ पे? वही यहाँ पर जो है आम, पीपल, बरगद। हाँ, इसी के पेड़ जो है थे। अच्छा। हाँ, तो वो इसके पास थे कि कितनी दूरी? पीपल का पेड़ तो इस बगल में ही था, बहुत विराट पेड़ था, पूरी छाया जो है उसी के अंदर थी। अच्छा, ये सूख गया तो नया नया लगा?
अच्छा। और वहाँ जो मंदिर बना है वहाँ जो है पहले बरगद का पेड़ था, हाँ पूरा नदी तक एकदम पूरा छाए हुए था। नदी कहाँ थी? जहाँ पर है वहीं पर थी, लेकिन पेड़ जो है पूरे नदी तक एकदम फैले हुए थे एकदम पूरा। अच्छा, लटका हुआ था अंदर, लटक रहे थे। उसी बरोह को पकड़ के लोग कूदते थे उसी नदी, नदी में कूदते थे, इतना लग नदी की था। वहाँ पे था तो मतलब यहाँ से कूदते तो मतलब नदी वहाँ तक थी? नहीं नहीं गई थी, उसकी डारे गई थी। हाँ बड़ा भव्य रहा होगा पीपल पे, यहाँ जो पीपल है इसमें से नदी में कूदते थे। गिर गया कि काटा गया? नहीं वो सूख गया, सूख गया वो, हम बाद में स्टडी कर लेंगे क्यों गिर गया। तो दूसरी चीज मुझे बताएं कि और बाकी जो पेड़ थे वो कितनी दूर थे, जैसे इस अगर इस एरिया को। अब जैसे देखिए ये जामुन का पेड़ है, यहाँ पर भी जामुन का पेड़ था। तो जामुन का पेड़ था पूरा लाइन से ही, जामुन का ही पेड़ था वहाँ पर। अच्छा, तो जामुन हो गया उस टाइम, आम हो गया। ठीक है, और क्या फलदार पेड़ थे यहाँ पे? इधर जो है पीपल था, आम थे, पूरे जो है पूरा एकदम जो है पीपल आम से जो है पूरा ढका हुआ पूरा बगीचा की तरीके था। और क्या उस टाइम आप क्या खेल खेलते थे जैसे आप बचपन में थे ना? जैसे उस समय में यहाँ पर जो है ना कितनों नदी में डूबा जाता था, वहाँ की मिट्टी नहीं कोई पाता था, इतना गहरा था। अच्छा, इतना गहरा था? इतना गहरा था। कितने साल पहले की बात होगी? अरे कम से कम समझ लीजिए कि 68 के समय में, 1968 के। 1968, वेरी गुड। तो उस टाइम जब आप बचपन में थे तो क्या गेम ज्यादा खेलते थे? खेल खेला करते हैं जैसे लुका छुपी, और वो कौन सा गेम खेलते हैं? गुल्ली डंडा, पेड़ पे लटक के खेलते हैं, क्या बोलते हैं? लखनी। लखनी वगैरह पेड़ पर चढ़ करके उसी पर जो है खेल होता था। और यहाँ पे अखाड़े वगैरह भी थे? हाँ, वो जो हनुमान जी का मंदिर जहाँ बना है वहाँ पहले अखाड़ा चलता था। कितने लोग आते थे सर? 20-25 लोग रोज आते थे। और अभी? अब तो वहाँ मंदिर बन गया, अब तो कुछ है नहीं, अखाड़ा नहीं है, अखाड़ा है ही नहीं है। अच्छा, और उस टाइम और क्या क्या खेल खेलते थे आप? कबड्डी होती थी, फुटबॉल होता था, तरह तरह के खेलों का जो है अथवा होता। और उस टाइम ज्यादा क्या खाते थे सब लोग? भोजन क्या चलता था? भोजन क्या करते थे? प्रकृति के ऊपर निर्भर, प्रकृति के ऊपर निर्भर था। पहले तो लोग ऐसा था कि समस्या इतनी जटिल थी कि पीपल का जो गोदा गिरता था या गुलर का गोदा गिरता था उसी को खा करके लोग जीते थे। उस समय की स्थिति बहुत खराब थी। सब्जी वगैरह नहीं होती थी यहाँ पे तब उतना, उस समय में तो सावा और कोदो यही ज्यादा मेड़ुआ वगैरह ज्यादातर करके होता था। फिर से बोलिए क्या नाम बताया? सावा और कोदो, मेड़ुआ, जोनरी, यही ज्यादातर होते थे, बाजरा। बाजरा, अच्छा। तो उस टाइम जब हम लोग खेती करते थे, जब आप देखते होंगे तो क्या जैसे आज की डेट में यूरिया डाई सब लोग खरीद के लाते हैं वो सब यूज करते थे? नहीं नहीं, केवल गोबर की खादें पड़ती थी और उसी से जो है उपज होती थी। इतना व्यवस्था नहीं थी कि खाद वगैरह कोई डालता था। गोबर के खाद बनाते कैसे थे? अच्छा, मुझे बताएं कि उस टाइम पक्षी कौन कौन से थे यहाँ पे जो अब नहीं दिखते हैं? सबसे प्यारी पक्षी कौन सी जिसको देखे दिल खुश होता? पहले यहाँ पर जो पीपल था उस पर बकुला रहते थे। बकुला? हाँ, अभी नहीं। सफेद सफेद थे, गिद्ध थे। अच्छा, गिद्ध थे? गिद्ध बहुत थे। गिद्ध जो है कहीं अगर कोई पशु मर जाता था उसको पूरा पूरा एरिया में पूरा वही दिखाई देते थे, लेकिन अभी एक भी नहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, बकुला थे, बकुला, कबूतर थी, कबूतर थी, वेरी गुड। माने जितने प्रकृति के पक्षी हैं सभी लोग यहाँ रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे समाप्त हो। नाम सब लोग मिल के भी बता सकते हैं? हाँ, नाम आप लोग बता सकते हैं किसी को याद हो? तोता, बगुला, ये कबूतर, मोर। मोर भैया? संजय पांडे। संजय पांडे, आप कहाँ से भी? बस यही जन्म स्थान है, यही मंदिर में? नहीं, मंदिर नहीं, हमारी यहाँ दुकान है, हमारा यही जन्म स्थान भी है। क्या क्या जगह का नाम बताइए? ये दुर्वासा, दुर्वासा धाम। पूरा पता बताइए। महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा धाम जो आजमगढ़ जिले में। चिड़िया कौन कौन सी थी? बहुत सारी चिड़िया थी, तोता, मोर, बगुला, और ये कबूतर। और ये समझ लीजिए उस समय सुबह जो जाते थे ना तो हर 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 करके जाते थे, दक्षिण ऊपर से उड़ते हुए। हम लोग सुबह भी देखते थे, शाम को भी देखते थे। क्या उम्र रही होगी जब आप? वही 7-8 साल, 9 साल। अच्छा, 9 साल तक आप देखते थे? जी हाँ। आप बता रहे हैं 68 का मतलब? 68 से नहीं, मेरी उम्र 45 साल है। आप 9 साल पहले तक देखते थे? जब मैं 9 साल, 8-9 साल का था तब। अच्छा, उस समय भी देख रहे? हाँ, उस समय देख रहे। हाँ,
ये बहुत बढ़िया। उसके बाद और ये सब जंगल था बिल्कुल, बेर और ये बबूल और ये आम महुआ जामुन ये सब था। हम लोग वो बिलैती बबूल खाते थे, बिलैती बबूल बिलैती वो जिसको हिंदी में उसको जलेबी कहते हैं, जलेबी बोलते हैं उसको वो। और ये बेर जो होती है छोटे छोटे बेर बहुत मीठे होते थे। और ये नदी का हम लोग पूरा आनंद लेते थे। अच्छा, ये पीपल कैसे लेते थे? नहा के कूद के हाँ। ये पीपल यहाँ जब था ना, जब यहाँ पीपल था तो यहाँ तक पानी भर जाता है, तो हम लोग पीपल पर से कूद के नहाते थे। यहाँ पे पीपल था जी हाँ, इसकी डाल यहाँ तक आती, हाँ बिल्कुल वहाँ तक जाती थी डाल, उसकी वहाँ तक लटकी हुई थी। अब बाढ़ आने पर सारे बच्चे पकड़ पकड़ कर झमाझम कूदते थे नदी में। उमा शंकर गिरी जी। अच्छा, तो आप सभी लोग खेलते थे? हाँ, इसमें छुअल भी होती थी, डूब करके एक दूसरे को पकड़ना। तो स्वास्थ्य कैसा रहता था? स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता था, आज भी ठीक ही है। हाँ, पुरानी जमाने की खेल सुनिए, वो पानी में डूब के डूब करके छुअल होती थी, जैसे एक कोई चोर होता था, आप 10 लोग उसमें घूमते थे और 10 लोग पानी में डुबकी लगा करके वो मतलब डूबता था और सब लोग भागते थे। अब अंदर अंदर पकड़ते थे, डूब के मतलब खोजते थे, उसको ढूंढते थे, तो जिसको छू देता था वो फिर चोर हो जाता था, दूसरा फिर ढूंढना शुरू करता। खेल का नाम तो छुअल होती थी। और चौतरा दखल एक खेल था, चौतरा दखल जो गोला गोला नहीं दिख रहा है, हाँ इस पर 10-12 लोग खड़े हो जाते थे और एक दूसरे को धक्का देते थे कि कौन मतलब इस पर रह जाता है, जैसे शासक रहे शेर जैसा, कोई कौन दहाड़ेगा यहाँ, तो वो सबको धक्का देकर के गिरा देता था, पानी में अकेले रहता था। फिर झुंड में सब लोग जुटते थे उसको गिराने के लिए, तो अगर बलवान पड़ता था तो टिकता था नहीं, उसको लेकर के सब लोग कूद पड़ते थे। आपके साथी हैं जो लोग ऐसा गेम खेलते? हाँ सब लोग हैं, अपने अपने काम में, हाँ अपने अपने काम में लगे। बुला सकते खेल फिर से खेला जाए? अब कोई दिल्ली है कोई बम्बई है, बचपन की बात बता रहे हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साल में एक बार सब लोग इकट्ठा होते होंगे इधर। हाँ हाँ, किसी हर महीने आता था हिंदुस्तान, जब मैं बाहर था तो हर महीने में हिंदुस्तान आता था और आके अपने दोस्तों से मिलना करता था, तो ऐसे एक दिन तो साल में आते होंगे। हाँ हाँ, आएंगे जरूर आएंगे। अब तो देखिए हम लोगों का स्थान छोटे बच्चे ले लिए हैं। बाबा जी का नाम बताइए। हरिहर गिरी दुर्वासा धाम के हम लोग हैं, पुजारी बाबा जी की। उम्र होगी बाबा की आपको? 60-62 जा रहा है। 60-62? आप यहीं पे बड़े पले हैं? नहीं, कुछ यहाँ कोई प्रदेश आपका हुआ है। आपका तजुर्बा बताइए, आज के बच्चों में और तब के बच्चों में क्या अंतर था? बहुत अंतर आ गया, बहुत फर्क आ गया। पहले बस शीलवान होते थे, आपके बच्चे उदंड हो रहे हैं, वो समस्या को हल नहीं कर पा रहे, पहले बच्चे हल कर जाते थे। मतलब उनकी थिंकिंग एबिलिटी का बहुत थिंक भाव बहुत सुंदर था, प्यार ज्यादा था, महत्व था उनका। जो उसको डिसीजन पावर क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको क्षमता होती थी उस समय, तब हो जाए क्षमता कहाँ है। अब तो पहले बच्चे और कुछ थे, अब के नहीं बच्चे अलग निशान जा रहे। और तत्परता कितनी रहती थी? जैसे मैं देखता था कि आप लोग पहले क्या होता था कि कोई घर में आया तो खटभर खटिया लग जाता था, पानी वानी आ जाता था। हाँ, सेवा होती है, सेवा भाव पहले था, भाव अंतर नहीं है। नहीं नहीं, अब वो घटती जा रही है, अंतर हो गया। हाँ बहुत अंतर हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेलते तो हैं लेकिन उस तरीका का प्यार नहीं है। अच्छा, पहले के लोगों को मैंने देखा जब वो जाते तो अपना आसन फोल्ड करके रख देते हैं, उठते तो बिस्तर फोल्ड करके रख देते हैं, मतलब जो काम करते हैं जैसे शुरू करते हैं उसको वापस खत्म कर दिए। अब ये चीज देखने को मिलती है, वो सभ्यता खत्म हो रही धीरे धीरे। हाँ लगभग। आपने बहुत अच्छा बोला कि आप हिंसा होती है, इन्होंने बोला। क्या नाम है बाबा? आप बीड़ी फेंक दीजिए पहले तो। हाँ बोलिए, क्या करे, हिंसा क्या होती थी? जैसे जो अपने में खेलते थे अब वो नहीं है, मारपीट कर दे, अब जो झगड़ा की जरिया हरदम बना लेते हैं लोग। हाँ, क्या नाम है बाबा का? राम रूप गिरी। राम रूप गिरी जी। आप यहीं से हैं जी? अच्छा, उसमें सहनशीलता खत्म हो गई है जी, एकदम मनावता की कोई चीज नहीं रह गई। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये किस, ये जो चीजें हैं क्या हमारी ये नदी के साथ में जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारा बॉडी जो है और खून उसमें पानी है, कितना पानी है, कुछ आइडिया है किसी को आइडिया? क्या नाम है बाबा आपका? महेंद्र पाठक खुरासों। हाँ बाबा, महेंद्र पाठक खुरासों। कितना पानी जगह है? कितना पानी बगल में गांव है? 1 किलोमीटर। आपको लगता है कि कहीं जैसे जैसे हमारा पानी खत्म हो रहा है, हमारे शरीर से ये सारी चीजें खत्म हो रही है, बात कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि पानी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी में भी 70% पानी है, पानी ही जीवन है। बिल्कुल जी, हमारे शरीर में भी है। और किसी को ये आइडिया है कि ये पानी कैसे बनता है?
ये तो प्राकृतिक है, एक साइकिल में आते हैं पानी तो। अरे सर हम लोग छोटे थे तो यहाँ से पानी निकलता था, यहाँ सामने जो दिख रहा है ना नाला, यहाँ से निकलता था, पुल के नीचे से निकलता था, इस हम लोग इसी पानी पीते थे। वो सारे स्रोत बंद हो गए, यहाँ यहाँ से निकलता था पानी, पूरा किनारे किनारे नदी के स्रोत ही स्रोत था। नहीं नहीं, कलयुग का असर है, कलिकाल में तो होना ही है, तो भविष्य में नहीं। अगर ऐसी बात है तो आप, अरे यहाँ नदी में इतने कछुए थे कि किनारे जाना मुश्किल हो जाता था। हाँ कछुए, इतने बड़े बड़े कछुए होते थे, अलग अलग साइज के थे। हाँ छोटे बड़े सब होते थे, सब में अलग अलग कछुए भी थे जी। अलग अलग कछुए मतलब कई रंग के थोड़े, एक ही रंग का मतलब, बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अब यहाँ किनारे आप अगर खड़े हो जाए ना, आपके आने की आहट मिलती तो झमाझम नदी में कूद जाते सब। बिल्कुल खत्म हो गए मछलियाँ, मछलियाँ आप जैसी जैसी मछलियाँ थी यहाँ। और ऐसे मोह मछली ऐसे उलटती थी तो यहाँ लोग किनारे बैठ बैठ करके देखा करते थे। सोइंस भी होती थी, सोइंस बहुत पहले थी। हाँ सोइंस जो होती है, मैमल होती है। और उस टाइम जो यहाँ पे घास वगैरह होती थी पानी के अंदर, सवार थी। हाँ सवार इधर होती थी पुल के पास, वो भी खत्म हो गया। सवार अच्छा होता है, घास होते थे वो सब। कौन सी चीज अंदर ना, इनके एक अलग से पर्यावरण होता है, पानी के अंदर एक अलग दुनिया है। वही घास होती है, सवार बोलते हैं उसमें, और भी घास होती है। अब यहाँ इस नदी में, टोंस नदी में एक फल मिलता है, टोंस और मजुई दोनों में। क्या नाम है फल का? रेउसा, रेउसा बोलते हैं। अच्छा। और इतना पावरफुल है वो, लोग बताते हैं कि ऋषि मुनि उसको खा के रहते थे यहाँ। और स्वाद कुछ चने जैसा, चने से भी सुपर आता है, मीठा लगता है। अब है बहुत कम है, बरसात में मिलता है। जब बरसात पहली बरसात होती है निकलता है, स्वाद बहुत बहकाता है। वैसी कहीं पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा रे उसका। हाँ वो पूरे भारत में नहीं मिलेगा जो यहाँ मिलता है। इधर नहीं रहते हो? इधर का कोई स्थानीय बच्चा है? ये है। हाँ हाँ ये लोग हैं। आइए आइए, क्या नाम है आपका? माइक के पास आइए। पंकज गिरी जी, कितने साल के आप? माइक के माइक। 24 साल। 24 साल। तो अभी हमने जो खेल सुना, इनमें से कोई खेल खेला आपने? कहीं नहीं खेला सर, बचपन में। क्या नाम था खेल? कितनी उम्र थी सर? कैसे खेलते थे, क्या नाम था? अरे लोगों के साथ हम लोग खेलते थे। नहीं कौन सा गेम अभी बात किया गया जो भैया? चौथरा दखल। हाँ बता, इसमें हम लोग कूदते थे चढ़ उड़ के। और क्या पानी इतना रहता था ना आपका? पानी नहीं, इतने पानी में हम लोग कूदते थे। नमवा इनसे भी तो सुनना चाहेंगे, नमो पता है कि मतलब नहीं? उसमें 12-13 साल उसमें छूना होना सीखते थे हम लोग, तैरना सीखते थे। 14 साल पहले की बात बता। 14 साल पहले की। और कोई नया बच्चा है क्या जो यहाँ पे लोकल? आपने बेटा क्या नाम है आपका? अनुराग। इधर आ बेटे, पानी वाला खेल कौन कौन सा खेले थे? कौन से गाँव के बेटा? दुर्वासा। जो भैया बता रहे वो गेम खेलते थे आप? जी। अभी कौन सा गेम खेलते? अरे अभी सर, अभी बच्चे खेलते हैं उसमें। चौतरा पर से कूदते थे, लुकान खेलते थे, छुआन खेलते थे। अभी खेलते हो? जी अभी खेलते हैं। और भी बच्चे खेलते हैं? जी सब खेलते हैं, पौड़ते हैं उसमें। अब अभी 2 घंटा बाद 10 बजेगा सब बच्चे आएंगे। अच्छा। तब खेलेंगे। पूरा नहा नहा के उस बालू पर पूरा लेट के पड़े रहते थे कुछ देर तक, जैसे 2-2 घंटा। समझ लीजिए कि ये दुर्वासा जो है ये आजमगढ़ का गोवा हो जाता था। रेत में पड़े रहना 10-15 मिनट, फिर पूरा नदी में तैरना इधर से उधर। और इस पार तैराकी की जैसे प्रतियोगिता होती है वैसे हम लोग देखे थे उस पार कौन सबसे पहले पहुंचता है, ये सारे गेम होते थे। अब तो सब खत्म हो गया, छोटे बच्चे अब हम लोगों का स्थान ले लिए हैं। छोटे बच्चे हैं। हाँ वो अपना खेलते हैं। कम हुआ तो क्यों कम हुआ, कुछ पता है कारण? कम हुआ एक तो पानी वानी भी कम हो गया है, और दूसरे अब बच्चों में वो खेल नहीं रह गया, सब मोबाइल पर जुट गए। हाँ सब मोबाइल से मस्त है। खराबी भी आई है पानी में? पहले खराबी थी, अब तो मान लीजिए नदी का पानी है, कुछ न कुछ तो परेशानी इसमें रहवे करेगी। पहले वो मझौड़ा मिल वाला पानी छोड़ देता था जिससे मछलियाँ भी काफी मर गई थी, पानी पूरा लाल हो जाता था। तो पिछले साल से वो अब नहीं, वो व्यवस्था नहीं है। मझौड़ा मिल क्या क्या? चीनी मिल है वहाँ, चीनी मिल अकबरपुर। के बारे में जाना जी, सहायक नदी के बारे में कुछ इतिहास? ये मझुई है, मंजूसा नदी है, इसमें स्नान करने से मन पवित्र होता है, मन की शुद्धि होती है। अत्रि मुनि ने दुर्वासा ऋषि को ही बताया था कि काशी कौशल्योर मध्य यत्र तमसा मंजूसा देवात दुर्लभा, ये देवों के द्वारा दुर्लभ स्थान है, तत्र स्नानम मात्र नरो जाति परम गति। दुर्वासा ऋषि ने जब पूछा कि पिताजी हम पूरा ब्रह्मांड घूमाए कहीं हमको शांति नहीं मिली, कोई हमारे लिए उचित स्थान बताइए,
तब अत्रि मुनि ने दुर्वासा जी को यही बताया कि काशी और अयोध्या के मध्य तमसा और मंजूषा दो नदियों का संगम है, और वहां पहुंच करके अगर स्नान करके नित्य ईश्वर की प्रार्थना करोगे तो तुमको तमसा नदी में स्नान करने से तामस दूर होगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, और ये मंजूषा में स्नान करने से मन तुम्हारा साफ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। उनकी बापन पिताजी की बातों को मान करके दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ यहाँ आए और उन्होंने घोर तपस्या की, तो ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ अंदर। हाँ, तो और जब तक थे वो यहाँ पूजा पाठ उनकी अर्चना करते रहे, और अंत में किंवदंती है, लोगों का यह विश्वास है कि दुर्वासा ऋषि जब इसमें समाहित हुए तो शिवलिंग दो भागों में बट गया। आज भी ऐसा ब्रह्मांड में पूरे शिवलिंग नहीं है, दो भागों में बटा हुआ, अर्धनारीश्वर स्वरूप भी बोलते हैं, दुर्वासा का समाहित होना भी उसमें बताया जाता है। एक बार पिताजी हमारे बताते थे कि बचपन में राहुल संकृत्यायन आए थे यहाँ पर, उन्होंने कोई यंत्र शिवलिंग पर लगाया और लगाने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं हमने पाया, और इतना पावरफुल शिवलिंग है। यंत्र लगाया रेडिएशन होता है ना उसके लिए, पूजा जो की शिवलिंग की होती है। क्या नाम से आता है? दुर्वासा ऋषि के नाम से लोग आते हैं ना यहाँ। अच्छा, मंजूषा का जो मौर होता है ये किसी तालाब से निकली है, हमें तो स्पष्ट पता नहीं। अरे करीब 30-35 किलोमीटर दूर से है, और ये तो मढ़ा ताल से निकली है। हाँ, मंजूषा कहाँ? ये फैजाबाद में। टोंस नहीं, तमसा ही है। ये तमसा कहाँ, मतलब ये अंग्रेजों ने टोंस बोल दिया नहीं, ये सांस्कृतिक नियम जो पुराणों में मिलेगा वो तमसा है। तमसा ही बोली है, टोंस अब उसको टोंस नाम से परिवर्तित कर दिया गया। तमसा पर फिर वापस आ रहे हैं। टोंस गया है भैया। ये जो मंजूषा मढ़ा ताल से तो ये निकली है। कहाँ है मढ़ा ताल? फैजाबाद में है। और ये मंजूर ताल से निकली, कौन सा गाँव है, वो कुछ आइडिया है? अब ये तो नहीं बता सकते हम स्पष्ट किस जिले में है, किस जिले में है। मुझे भी ताले से निकली है, लेकिन किस ताले से निकली है। 35 किलोमीटर कौन सा जिला पड़ेगा, कौन सा जिला आप बता नहीं सकते। इधर किधर से आती है ये जिला, किधर है? सुल्तान, इधर तो सुल्तानपुर भी है, तो यहाँ पे जौनपुर भी। मंदिर दिख रहे हैं, तो आप लोग सभी क्या एक समिति है क्या, अलग अलग समिति है? एक समिति है जो मेन समिति है यहाँ की, अब बाकी अब जैसे उधर एक मंदिर है वो अपनी अलग समिति बनाए हैं अपनी व्यवस्था के लिए, लेकिन मेन समिति एक ही है जो पहले सृष्टि करते हैं महीने में। जी, एक बैठक होती है आप लोगों की? बैठक होती है हाँ, उस पर कार्यवाही भी होती है, जैसी आवश्यकता होती है, जैसे मेला ठेला लगा तो व्यवस्था होती है, नदी में रस्सी वगैरह लगाई जाती है अगर थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा वगैरह रहता है कुछ तो, और यहाँ की लाइट व्यवस्था, पूजा पाठ व्यवस्था, डेकोरेशन की व्यवस्था, ये उसके अनुसार होता रहता है। स्थानीय लोग सहयोग करते हैं? स्थानीय लोग सहयोग करते हैं जी, निरंतर यहाँ पे आते जाते हैं। हाँ, आते जाते हैं। अभी कल से नदी की आरती भी शुरू हुई है डीएम महोदय के आदेश से, कल शाम से। ये आप लोग के मन में नहीं है कि आरती होनी? जैसे आरती होती है, शिव जी की आरती हो रही है तो इधर भी आरती हो जाती थी, जैसे ये स्पेशली करके कि नदी की आरती, तमसा की आरती नहीं होती। बढ़िया घाट है, आरती होगी, और लोग आते हैं। घाट है, इसमें बहुत मनोरम स्थल है। मुझे और एक चीज बताइए साहब कि रासायनिक खेती की वजह से भी क्या व्यवहार परिवर्तन और इस नदी को खतरा पैदा हुआ है? जो खाद डालते हैं लोग, अच्छा रसायन डालते हैं, तो जब बारिश आता होगा बह के इसके अंदर आता होगा, तो क्या उससे पर्यावरण? देखिए, नदियां निरंतर सोते से पानी आ रहा, उसका विशेष कोई असर नहीं पड़ता है। जनता कुछ गंदगी की है, जैसे ये पहले एक भट्टे वाले थे यहाँ, पूरा ये सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, इधर से पूरा करीब 10 टाली टुक्की फेंक दिए यहाँ, टुकड़ी ईंटे की हजारों टाली लिया थी, तो इस वजह से पूरा ये नदी पट गई, नहीं तो यहाँ पर कुंड हुआ करता था, कई हाथी के बराबर पानी यहाँ था। हाँ, आज भी थोड़ा सा कुंड यहाँ संगम पर था। उस कुंड का कोई स्पेशल नाम था? नहीं, हम लोग कुंड ही कहते थे, और मेन संगम स्थल वही था। संगम पर कुंड था, और ये कुंड जो है यहाँ पर ईंट का टुकड़ा डालने से कुंड पट गया है, और आज ये आवश्यकता है कि इसको ईंट के टुकड़े को हटा दिया जाए तो कुंड को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ये जितने ईंटे पड़े हुए हैं और जो भी ठेकेदार जिन्होंने कराया है, पता नहीं कौन है वो, लेकिन यहाँ पर अगर खुदाई कर दी जाए इसकी तो टुकी वगैरह मिलेगी, और यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो ये कुंड पुनः वापस आ सकता है।
साइफन भी डाला, पुलिया भी डाला। हाँ, इतनी मोटी मोटी पुलिया पड़ी है, अंदर साइफन भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ बहुत से ऐसे अवरोध करने वाले तत्व डाल दिए गए हैं जो कि मानव निर्मित तत्व डाले गए हैं, नहीं तो तमसा का ये हिस्सा अभी भी संगम पर पूना कुंड के साथ जागृत हो सकता है। अगर खुदाई हो जाए ना तो स्रोत निकल जाएगा सब श्रोता। हाँ, और खुदाई हो जाए तो श्रोता आ जाए तो जल प्रवाह बढ़िया हो जाएगा इसका। खुदाई जैसी भी वगैरह से कराया जाएगा तो जैसे किनारे उठा करके मिट्टी डाल देंगे तो जो सोते बंद हो गए हैं वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, और जब खुल जाएंगे तो पानी बहना शुरू हो जाएगा, ताजा पानी आ जाएगा। धरती का फेंका गया था, कितना साल हो गया? ईंटा जो फेंका था भट्टा उठा उसका बंद बंद हो खत्म हो गया। कितना साल हो गया? 20 साल। अरे 20 साल से ऊपर है समझिए, 20 साल से ही बर्बाद मामला। और पाइप कब डाला गया था? पाइप उसी समय डाले थे, मतलब ट्रैक्टर से, वो पुल था नहीं तो ट्रैक्टर से उनका ईंटा उठा सब इधर से उधर आवागमन हो जाता था, अस्थायी रास्ता बना हुआ। क्या क्या नाम रहा होगा उनका? नाम कई लोग मिल करके तो भट्टा खोल, वीरेंद्र राय, कई लोग मिल करके भट्टा खोले, कई लोगों का भट्टा था, सब लोगों ने ढकेल दिया, दो तीन भट्टा था। अब ये साफ हो जाए तो कुंड फिर वापस आ जाएगा, स्रोत भी वापस आ जाएंगे। वहाँ पे पुल के नीचे वहाँ पे एक अस्थायी वहाँ बन जाए, हम साला कुछ बच्चे जो क्षेत्र के गांव के हैं वो बगल वाले मंदिर के बलराम तिवारी हैं। एक बार आप कुछ बोल रहे हैं? आप बलराम तिवारी हैं, महर्षि दुर्वासा विकास समिति के व्यवस्थापक हैं, और आप बताइए अपना कुछ। कितनी उम्र है भैया आपकी? हमारी उम्र 42 साल। 42 साल, हम ग्रेजुएट किए हैं। तो आप अभी अपने बचपन की कहानी सुनी, तो आपकी कोई ऐसी बचपन की ऐसी कहानी जो उसके साथ जुड़ी इस नदी के साथ, और आज भी याद करते तो मन में खुशी आ जाती है? तो टाइम खुशी पानी स्वच्छता, हम लोग आके यहाँ पे जो है 2-3 घंटा यहाँ पे स्नान करते थे, अप्रैल मई जून महीने में सब सारा समय हम लोग नदी से ही बीतता था, यहाँ पे हम लोग स्नान करते थे। जी कितने दोस्त? अरे दोस्त यहाँ पे 20-25 लोग हम लोग साथ में यहाँ पे स्नान करते थे। हाँ, पानी में यहाँ बालू में जाके हम लोग लेटते थे, स्नान करते थे। जी जी, तो वो पल आपको अभी भी याद आता है? याद आता है। 25 दोस्त अभी हैं आपके? हैं। कैसे संपर्क है उनसे? यही परिका, एक हमारे मित्र यहाँ साथ पढ़े यही है। अच्छा जी जी, हम आपसे पूछ रहे थे अपने मित्रों का नाम लीजिए। चलिए वेरी गुड, तो आपके अभी कितने मित्र यहाँ पे अवेलेबल है? 4-6 होंगे जो है। 4-6? जी जी, 4-6। मतलब यहाँ तो वो पहले एक गेम चलता था ऐसे, बकरी वाला। सुनिए, घर हम लोग भैंस घर से लाते थे और यहाँ नदी में किनारे बैठा देते थे, और उगर भैंस होती थी, और भैंस होती थी, गाय होती थी, गाय ऊपर चढ़ जाती थी। अरे देसी गाय थी हम लोगों के पास। कितनी हाइट होती थी? अब मतलब ज्यादा हाइट नहीं होती, छोटी छोटी गाय थी। स्पेशल नाम था गाय का? अब देसी गाय बोलते हैं, देसी गाय। हाँ, पहले तो सिंधी उगर इधर थी नहीं। हाँ, गंगा तीरी थी या कोई नाम होता होगा? हाँ, गंगा तीरी कह लीजिए उसको। हाँ कह लीजिए, मतलब देसी गाय बोलते, देसी गाय, देसी हम लोग देसी ही बोलते हैं। वही 2 लीटर 2.5 लीटर। उसके गोबर से बदबू आती थी कि खुशबू? नहीं नहीं, गोबर ओबर सब अच्छा था। अब तो सूखा हुआ था? हाँ, सूखा गोबर था। हाँ, सूखा गोबर था, उसको लिपते थे ना। हाँ, उससे लिपाई होती थी। अच्छा। गोमूत्र का सेवन होता था? नहीं, सेवन गोमूत्र नहीं, जैसे उसका मतलब उपला बनता था, गोहरी बनती थी। अच्छा अच्छा, मैं एक बार उसी से खाना भी बनता था। आपके 25 दोस्त है ना, अभी 4 दोस्त है, बाकी जो 21 दोस्तों से संपर्क रहता है, कोई व्हाट्सएप फेसबुक? जी जी, रहता है। तो कभी साल में इकट्ठा होते हैं सारे दोस्त? हाँ, कभी काल जो गांव में शादी ब्याह और कोई त्योहार पड़ जाते उसमें आते हैं। तो मेरा नंबर मैं आपको भी दे जाऊंगा। जी जी, जब आप सारे दोस्त इकट्ठा हो तो क्या आप मुझे बुलाएंगे? एकदम बुला देंगे। मैं आपके सारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। जी, हम लोग वो बचपन फिर से जीना चाहेंगे, आपका बचपन। जी 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 जी, क्या ऐसा संभव है? जी हो जाएगा, लेकिन इस समय भागम भाग दौड़ के जिंदगी में जो आर्थिक संरक्षण करने के प्रभाव से सब लोग अपना कहीं शहर है, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कभी इकट्ठा होते हैं, कहीं अपना जो है किसी दिन इकट्ठा, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम लोग बुला सकते हैं। अभी किसी भी, जैसे दिवाली में मैं कभी दिवाली मिस नहीं किया। जी जी, मेरे 20 साल की नौकरी में, चाहे मैं भारतीय विश्व में या जेट एयरवेज में या एमिरेट्स में, कहीं भी दुनिया के कहीं भी रहा हूं, जी जी, मैं दिवाली के दिन अपने भारत में अपने घर ही बिताऊँ। जी जी जी, शायद ही एक आध दिवाली और होली दिखी, तो ऐसे मुझे लगता है कि सब लोगों का मन में प्रेम रहता होगा। जी 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 जी, क्यों आए? जी, तो मैं, मेरा सवाल था कि जब आप 25 दोस्त थे, जी जी, तब की दोस्ती कैसी थी? मतलब आपस में कैसे आप लोग व्यवहार करते थे? आपस में व्यवहार जो है हमेशा जो है विद्यार्थी जीवन था, हम लोग व्यतीत करते थे जो है, सही समय पे जाकर कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे, फील्ड में बैठ कर जो है तमाम प्रकार से वार्तालाप हम लोग करते थे। अच्छा जी, तो उसमें कैसी बातें होती थी? जैसे आजकल के दोस्तों में तो
टेक्निकल बातें होती है, फ्री फायर गेम कैसी बातें होती है ना बाबू जी, और यूट्यूब की बातें होती है, तब आप लोग कैसी बातें करते थे? पॉलिटिक्स ज्यादा बात करते थे? पॉलिटिक्स नहीं, जो है गाँव देहातों की हम लोग बात करते थे, जो है समस्याओं पे बात करते थे कि गाँव का कैसे विकास हो, एक दूसरे लोग जो है कैसे आपस में मेल मिलाप करके करते जी। मुझे आपने बताया कि कहीं किसी से प्रतिशोधिक भावना से वार्तालाप नहीं होता था, एक प्रकार हम लोग से तुतु मैमे भी हो जाता था, तब भी हम लोग दोस्त थे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, तुतु मैमे मतलब सहनशीलता थी और आपस में ओपन माइंड होकर बात करते। जी जी जी। अच्छा, मुझे बताया कि आप लोग जब एंजॉय करते थे जी जी, तो लेट के करते थे? नहीं, तैर के करते थे, हम लोग तैरते थे, जो है डुबकी मारते थे, जो है 4-6-10 मीटर चलते थे डुबकी जी। अच्छा, यहाँ के मंदिरों के बारे में थोड़ा बताइए। तो यहाँ पे फूल क्या होते थे? फूल फूल जी, फूल कौन से ज्यादा होते थे यहाँ पे अपने लोकल? खेलने का जो किस चीज से खेलते थे आप लोग, खेलने के लिए क्या क्या उपयोग? मैं ये चलाते थे फूल। अच्छा, फूल तो कौन सा फूल ज्यादा चलाते थे उस समय? फूल क्या क्या? फूल जो गेंदा का था, कंडेल का था, अड़हुल का फूल था, ये था फूल। और आज ये लोकल फूल थे जो ज्यादा चढ़ते जी जी जी। आजकल आजकल वही उपलब्ध है, गांव देहात में वही चढ़ाया जा रहा है, आज भी वही फूल, वही फूल बेलपत्र है जी। तो आपके जो दोस्त थे और आजकल के नए बच्चों के जो दोस्त होते हैं, तो कौन सी दोस्ती आपको ज्यादा पसंद है? आज के दोस्त वर्तमान में आधुनिक युग के दोस्त है, जो वर्तमान के जो मोबाइल पीरियड फेसबुक इस सबसे ज्यादा समय अपना जो सिम व्यतीत कर रहे हैं, क्या दोस्त क्या जो गांव देहात का चर्चा करेंगे जी। तो तब देश इतनी ज्यादा बात होती थी, कब देश इतनी ज्यादा बात होती है ना? अब तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो है जो बच्चे देख रहे हैं उसी के माध्यम से जानकारी हो रहा है, पल भर में कुछ दिल्ली में हुआ, कुछ यूक्रेन रूस में हो रहा है, तत्काल उनको नेट से मालूम हो जा रहा है। जो सरकार की योजना है हर गाँव को नेट से जोड़ने के लिए, उसके लिए हम लोग बधाई दे रहे हैं कि हर गाँव नेट से जुड़ जाए और नए बच्चे जनरेशन से जो है नेट से जुड़े रहे। आप जैसे आधुनिक दुनिया की आप बात कर रहे हैं, तो आपको ये आइडिया तो लगी क्या कि हमारी नदियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, है ना जी? तो क्या अब लगता है कि अब यहाँ पे अब यहाँ पे ऐसा हालत है कि जो है पानी का स्रोत बंद हो जाने की वजह से पानी जो है बहुत कम ही नदियों में रहता है, जो मई जून में स्रोत तो वहाँ पे पुल के नीचे एक डैम बन जाए। स्रोत कैसे बंद हो गया? स्रोत इसी प्रकार से बना, जैसे अस्थायी मार्ग बना लिए, ईट भट्टे और साइफन से पट गया, स्रोत बंद हो गया। तो उससे बढ़िया इसको खुलवा दें, इसको बांध बना। जिलाधिकारी महोदय आए थे, आश्वासन दिए मनरेगा के तहत नदिया की जो है साफ सफाई खुदाई की जाएगी। खुलवा दें वो अधिक अच्छा है कि बांध बनाना अच्छा है? नहीं, पानी रोकने के लिए तो हमारा विचार जो है आज एक महीना से चल रहा है कि वहाँ पे एक जो डैम बनाया जाए, पानी यहाँ पे कुछ रुका जाए और रुकने के बाद जो बेसिक पानी बह जाए। नहीं तो नदी को आप बांध रहे हैं? नहीं नहीं, बांध नहीं है। उनमें और आप में अंतर क्या है? नहीं, ये सफाई हो जाए वहाँ पे, एक डैम बन जाए। नहीं, डैम बनाने का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं, पानी थोड़ा रुक के उसके बाद जो बाहर। अरे नदी को आप ये भी वही काम किए हैं, डैम भी वही काम कर रहा है। नहीं, ये अलग विषय जा रहा है। आप जो है जो डैम बोल रहे हैं बनाने के लिए, अरे तो आगे भी तो आदमी है। हाँ, तो वहाँ भी डैम बन सकता है। नहीं नहीं, डैम धार्मिक स्थलों पे तीनों धाम पे डैम बन सकता है। अरे डैम के बाद पनिया जो उतने हैं, तो पानी रुकेगा, डैम बनाने से पानी पैदा होगा? नहीं, पानी रुकेगा, उसके पानी आने के बाद और बह सकता है। डैम बनाने से पानी पैदा होता है? पैदा तो नहीं होगा, जो रुका जो रुक के तब उसके बाद जाएगा। पानी बढ़ाने की बात की जाए, बहुत मजे की बात। बताइए अम्मा, क्या नाम है कि नदी बांधी तो नहीं जाती है, ये तो पुरानी संस्कृति है, पुराना जो है के धर्म है अपना। और यहाँ ये त्रिमोहानी है, यहाँ से टामसा है, इधर से मझुई आई लेन, यहाँ संगम है, बढ़िया पानी यहाँ रहता है, बढ़िया हर है एक चीज यहाँ जो है सब कुछ जो है के सुरक्षित मने रहे के चाहिए। थोड़ा अतुआ रहा है, वही बन गया, थोड़ा बना गया, लेकिन थोड़ा सूजी कांति देवी। अच्छा, कब बचपन से आप यहाँ पे हैं? नहीं, हमारा तो यहाँ ससुराल है। अच्छा। लेकिन 50 साल तो हो ही गए हैं आईले से। कैसे पता चला कि किसी चीज को बांधा नहीं जाता, उसको आजादी रखा जाए, तभी जिंदगी जी पाएगा खुल के? नहीं, तो उतना ज्ञान तो हमारे पास नहीं है सर। नहीं, और विस्तार से थोड़ा बताइए, बनले से कहा रहा है? जैसे बनले से जोन है नदी है, पुणात्मा है, यहाँ बांध जाए तो आगे मने बाटे, बहुत आदमी बाटे, नदी कहाँ से आती है, कहाँ कहाँ जाती है, यहाँ से निकरल बाहर से जोन है के
आयल हैं ताना है सरजू वहाँ आजमगढ़ गंगा जी वहाँ से सरजू जी वहाँ से ही सब कुछ जो नहीं के वहाँ जान के सब मिलल हैं जाए के संगम बनल है एक दत्तात्रेय संगम बनल है वहाँ से कुल तो चारों ओर से माल बनल है तो लेकिन नदी बांधी नहीं जाती पानी सबको चाहिए जीव जंतु गोरु बछरू पानी सबके चाहिए नहाने के लिए पानी चाहिए यहाँ तो पहले बहुत रहा गड्ढा रहा है बहुत ज्यादा पानी हाँ बहुत रहा है यहाँ कुंड रहा हाथी के डुबा यहाँ रहा है बहुत पानी रहा है लेकिन अब तो जो नहीं के हाँ बहुत स्नान हाँ यहाँ आती है दुबई जंगली हाथी नहीं आती है जंगली नहीं 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 यहाँ जंगल तो नील गाय कैसी थी यहाँ पे पहले के जमाने में नील गाय कैसी थी नील गाय होला कि नहीं इधर खेत को नुकसान पहुँचाने वाले जानवर अरे तो बहुत है तो बड़ा नुकसान है पहले थे नहीं नहीं पहले दिखते थे नहीं नहीं अब दिखने लगे कौन कौन से जानवर दिखते हैं जो पहले नहीं थे बंसुरा नहीं थे हाँ नहीं बंसुरा सियार ये कुलहन लीलगा ये सब नहीं थे पहले नहीं थी नहीं पहले लीलगा कहा है ना वहाँ जंगल में रहत रहना है अभी है माला निकल हाँ हाँ जंगल में थे अभी भी है जंगल नहीं है इसलिए वो यहाँ पे ना हाँ हाँ अभी कहाँ जंगल जंगल भी तो नहीं है वो थोड़ा जंगल है वो नदिया कचर वहाँ पे तो आपने जंगल भी मतलब खत्म हो गया तो सारे जानवर खेतों में आ गए खुले आएगी ना अब भाग दौड़ पूरा करे आवाज से बात करिए पानी पानी रोकने वाला थोड़ा और बताइए पानी न रोके मतलब जिसका जहाँ जोर होगा पानी रोक लेगा आप कैसे पानी इसमें अधिक हो इसका कुछ उपाय आपको समझ में आ रहा है कि समझा जी उपाय तो सर यही है समझ में मान लो थोड़ा सफाई गहराई कराया जाए थोड़ा सफाई थोड़ा गहराई कराया जाए गहरा मतलब कराया हाँ थोड़ा सप्लाई कही जाए तो पानी मान लो रुकी जब गहरा रही तो पानी खुद ही रुकी अपने आप रुकी अब बांधले से थोड़ो रुकी पानी हर जगह बांध देवा मान लो यहाँ बांधा फिर आगे बांध दे वह आगे बांध दे तब तो जो नहीं के कहा जल बिन देह ने जी बिन बारी तैसे ना पुरुष बिन नारी एक को पानी एक को घोट वहाँ ना रही जी बिन देह नदी बिन बारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी जिसे आदमी नहीं है वो नारी निर्जीव है समझ लीजिए और जिस नदी में पानी नहीं है तो वह जो है चिड़ई ना जाई है मनई के तो बतिये छोड़ दे इसलिए पानी होना आवश्यक है पानी होना आवश्यक पानी का उपाय नदी के और गहरा कर दे हाँ थोड़ा लोग ऐसे खेती करते थे जैसे अभी खेती हो हाँ खेती तो पहले नहीं पहले तो सर ये जंगल था पूरा जंगल था हाँ इसी देखा इधर सिधौनिया है यहाँ सिधौनिया है आई सिद्ध अथवा हुए पूरा सब जंगल था अब पहले लेकिन अब तो कट कुट के सब अपन जगह जगह सब बना लिए खेती अपन अपन भाई जनसंख्या बढ़ गई भैया आप बता रहे थे कि आप इनके सदस्य के क्या हैं हम ऋषि दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि विकास समिति के व्यवस्थापक तीनों धाम के हमारे नेतृत्व में तीनों धाम पे जो है 2 करोड़ 10 लाख रुपया से विकास हो रहा है तीनों धाम दुर्वासा दत्तात्रेय चंद्रमा ऋषि ये क्या कोई ट्रस्ट है ट्रस्ट नहीं है पर्यटन मंत्री महेश शर्मा के द्वारा जो है तीनों धाम पे जो है हो रहा विकास महेश शर्मा जी थे केंद्रीय मंत्री वो आए थे यहाँ पे स्वयं शिलान्यास किए वह TLC कंपनी को दिए हैं जो है वह अपना काम करवा रही है TLC कंपनी अभी तुरंत में जल्दी में नहीं नहीं आज 5-6 साल हो गया 5-6 साल तो ये जो समिति बनी है ये सरकार की तरफ से नहीं सरकार की तरफ से नहीं जो समाज की तरफ से अपनी अपनी समितियां बनाए सब उसका अध्यक्ष कौन है यहाँ के ऋषि दुर्वासा के अध्यक्ष जो है प्रेमचंद गिरी है संत शिरोमणि समिति के अध्यक्ष जो है राजकुमार दास से और तीनों धाम के हमें तीनों धाम के तो ये जो तीनों धाम है ये इसको कौन गवर्न करता है जी कौन इसका संचालन करता है संचालन हम करते हैं तीनों अपने समिति के सब अपने अपना संचालन करते हैं एक साथ कभी बैठते हैं लोग अभी जो है 2-3 साल से जो है समितियां तीनों मिलके यहाँ पे मेला धाम था उसमें जो है रूम बना है पूर्व शिव सागर दुबे जी तहसीलदार थे उसमें हम लोग सहयोग देके यहाँ पे रूम बना है उस पैसे से इस मंदिरों का विकास होगा नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि तीनों समिति मिलके काम करती हैं हाँ कहीं आवश्यकता पड़ने पर तीनों समिति एक होकर जो है यहाँ के विकास के बारे में सोचती है वो तो साल महीने में 2 महीने में बैठते हैं जब भी आवश्यकता पड़ता है नहीं आवश्यकता तो मतलब मॉनिटर करते हैं देखते हैं कि क्या स्थिति है कितना हुआ सदस्य कौन कौन है आपके समिति में
सदस्य कौन सी समिति में? नहीं अब तीनों समिति की हम बात करेंगे ना। तीनों भाई समिति की अलग अलग अपना बनाए, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, हमारे समिति की बात है तो हम बता सकते हैं। तीनों समिति जो है एक ही काम करती है कि अलग अलग काम करती है? ना वो अपना हट के काम करती है। जैसे हमारी समिति जो है बाहर से टान के जो है कोई भी यहाँ पे जन समस्या उसको वांटेड करके शासन प्रशासन को अवगत कराती है। अच्छा दूसरी समिति क्या करती? दूसरी समिति यहाँ पे जो है अपना साफ सफाई जो है मेंटेनेंस ये सब अपना जो है दान पाठकम जो आएगा उस पैसे से यहाँ पे विकास बारे में जो तीसरी समिति झाड़ू पोछा ये सब लगाती है। तीसरी समिति एक जो है संत शिरोमणि रविदास समिति है, अपना मंदिर के उत्थान के लिए विकास के लिए अपना धन संग्रह करती है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी कमेटी में अपने खुद के एम्प्लॉइज हैं जो साफ सफाई इन सब का ध्यान रखते हैं? जो यहाँ की जो है ऋषि दुर्वासा समिति है, प्रतिदिन जो है यहाँ पे साफ सफाई उनके माध्यम से यहाँ पे अपने आदमी है कि सरकार से लेते हैं? नहीं नहीं एक तो रखा जन सहयोग से रखा है और उसके बाद स्वयं जो है अध्यक्ष है उस समिति के एक आदमी रखा है जो है अध्यक्ष है, स्वयं अपना जो है श्रमदान आप एक दो घंटा अपना देते हैं। हाँ और समितियां मिल के जो है ये शिवरात्रि है और कहीं त्योहार वहाँ मिल के अपना आप वेतन पे भी रखा गया किसी को? वेतन एक जो मानदेय के हिसाब से 5,000 रुपया जो रूम बना है उसमें जो खाते में उससे जो है खाते मतलब अनुदान यानी जन सहयोग के रूप में दिया जाता है। नहीं खाते मतलब जो यहाँ पे 60 क्वार्टर बना है उस पैसे के अकाउंट में कुछ पैसा है उनको जन सहयोग की भावना से वह यहाँ पे काम करते हैं और जन सहयोग की भावना से उनको 5,000 रुपया मानदेय दिया जाता है। मानदेय पर एक लोगों से मुलाकात हो सकती है? आप कभी जो है समय दीजिए तो आ जाएंगे सब। अब आपके पास दो हो गए, एक आपके दोस्त और आपकी समिति। हाँ आप कभी जो आइए तो उसके बाद सबको बुला दीजिए। तीनों का देख रहे हैं मर्सी दुर्वासा स्वामी दत्तात्रेय जी और तीनों धाम पे कार्यक्रम रखेंगे, तीनों धाम पे बुलाएंगे। तीसरा कौन? तीसरा यहाँ पे जो तीसरा नाम पूछे तो तीन बता। नहीं वहाँ पे डीएम जो है समाजवादी शासन काल में वहाँ पे एक पार्क बनने वाला था उसे जम के हम लोग विरोध किए थे, वहाँ पे पार्क रुका। नहीं नहीं हम लोग किसी जाति धर्म या पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे। तीनों समिति पूछे का उद्देश्य तीनों धाम पे विकास हो। तीन धाम कौन कौन सा है? दुर्वासा जी, दत्तात्रेय, चंद्रमर्षि। चंद्रमर्षि ठीक है, मैं स्टॉप करूँ, इनका इंटरव्यू लीजिए कल सर। नहीं आप अच्छा आप बोले तो यहाँ रोज स्नान करने आते हैं? नहीं सिर्फ हफ्ते में दो बार। हैं हफ्ते में दो बार। कौन कौन सा दिन? सोमवार शनिवार। सोम शनि को आते हैं यहाँ पे? कितनी दूर से आते हैं? यही पास में फूलपुर है। कितना दूर है? 7 किलोमीटर। अच्छा तो केवल बस स्नान का उद्देश्य रहता है कि पूजा पाठ भी करेंगे? फिर पूजा करेंगे तब फिर घर जाएंगे। तो आते हैं टहलते हुए। फिर आपका निवास कहाँ पर है? उसी गांव के हैं आप? जी जी पड़ोसी हैं। बचपन के आप लोग मित्र हैं? आप लोग अच्छा बचपन क्या ये इनका उम्र ज्यादा है तो बहुत बड़े हैं। तो कैसे आप लोग की दोस्ती हुई? सब पड़ोस के कारण? नहीं उम्र अधिक है ना? उम्र तो अधिक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 5-6 साल का डिफरेंस होगा। अच्छा अच्छा पढ़ते भी थे साथ में कोई? नहीं नहीं। ये आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं इंटर कर रहा हूँ। अच्छा और आपकी? 10th। आप क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। किस चीज़ के? फोर व्हीलर। ये मैकेनिक है भैया? फोर व्हीलर के मैकेनिक हैं 10th तक पढ़ाई के बाद। और आप क्या करते हैं? मेरी मोबाइल दुकान है। इनकी मोबाइल की दुकान है। और आपके बेटे? मैं इंटर किए और कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान है। अपना अपना नाम बताइए। आपका नाम? राहुल सोनी है। राहुल सोनी। राहुल सोनी। आपका? संदीप बेन बंशी। आपका? मोहम्मद आबिद। आपका पंडित जी? हरिहर गिरी बताया था। अच्छा अच्छा हाँ आप ही तो थे वहाँ पर। हाँ ठीक है ठीक। अच्छा ठीक बहुत अच्छा। तो नहाने ये पानी इसमें नहाते हैं? हाँ। नल के पानी से नहाते हैं, कुछ अंतर इसमें लगता है? अंतर तो बहुत है, अंतर है नहीं। अब देखिए सफाई है कितना बेहतर। नहीं अब क्या बोले समझ में, सफाई है कि नहीं है? अब बैंक से सीधे सीधे बोले क्या अंतर? तभी नहाने आते हैं तो कुछ लाभ मिलता है या कुछ अच्छा लगता है? क्या लाभ? क्या श्रद्धा है अपना, आते हैं स्नान करते हैं, फिर घर जाके फिर नहाते हैं? नहीं नहीं फिर थोड़ी नहाते हैं, यहाँ जब नहा लेते हैं तो फिर वहाँ नहीं। अच्छा ठीक धन्यवाद। कुछ रखा हुआ है क्या?
वो क्या है वो सब कपड़ा वपड़ा नहाने वाले छोड़ देते हैं इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले जो है हम यही थे जो है खाना वाना बनाते थे। अच्छा अच्छा, कितने सालों से आप जुड़े हुए यहाँ पे? कब से जुड़े हुए यहाँ पे? यहाँ कम से कम बचपन से यहाँ। बचपन से तो कोरोना काल से यहाँ पे रहने लग गए। उससे पहले कहाँ रह रहे थे आप? यही रहते थे, घूम करके जो खाना वाना बनाते थे शादी ब्याह में जो। अच्छा महाराज जी। अच्छा, अब आप पूरी तरह भगवान के पास आ गए। माता ने रख लिया अपने पास। नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये साहब हमको नहीं पता है। अच्छा, तो इसके संस्थापक कौन है? ये रामजीत राजभर है। रामजीत राजभर जी। अच्छा, कम से कम हाँ जिंदा समाधि दी है माता पिता दोनों जन। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं ऊपर? बाबा प्रभंस जी की समाधि है, माता पिता दोनों लोगों ने लिया। ये जल पर की चढ़ते थे। अच्छा, किस पे? जल से। क्या चढ़ते थे? जल पे चलते थे। अच्छा, जो साथ में रहता था उसको भी साथ लेके चले जाते। अच्छा, तो चमत्कार कई लोगों ने देखा है। यहाँ जो भीड़ लगती थी जो देखने वालों की। अच्छा, ये कब की बात है? जो जैसे आते थे वैसे जो बता देते थे कि फला काम से आए हो। अच्छा, ये कितने सालों पहले की बात है? कम से कम जो है दो तीन पीढ़ी पहले की बात है। अच्छा, और क्या जानकारी है आपके पास इनके बाबा के बारे में? बाबा जो है जो कहते थे सो हो जाता। कहाँ से आए थे बाबा?
बाबा जो है धर्मदेव, धर्मदेव, धर्मदेव बाबा कहाँ से आए थे? ये पहले से आए हैं, इनका तो हमारे पिताजी पहले थे। आपके पिताजी, आपकी कितनी उम्र होगी? बाबा थे बहुत पहले की मूर्ति साल। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है अभी? 75 साल। और आपके पिताजी किस एज में स्वर्गवास हुए? 100 साल। और आपके उनके पिताजी? तो साहब उनके पहले की मूर्ति बहुत पुरानी है। अच्छा, ये सिद्ध पीठ है, पानी में चलते हैं, आगे उनके मनोकामना पूरा करते हैं, सिद्ध पीठ है परमहंस जी महाराज। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं बाबा, आप 75 साल के, आपके पिताजी 100 साल पे स्वर्गवास हुए, और उनके जो पिताजी थे वो भी 120 साल। और उससे पहले कुछ तारीख याद है? ना साहब, उसके पीछे नहीं याद। 120, 100, 75। हाँ, मतलब अच्छा, क्या करते थे आप? धर्मदेव नाम था जी। नहीं, मेरा नाम राकेश है बाबा, मेरा नाम राकेश है। बहुत पहले की बात हम नहीं बता पाएंगे। अब सवाल ये है कि कौन है, कहाँ का, ये मिलता कुछ आइडिया नहीं था। ये पूरा आंगन इन्हीं का नाम है, ये 5-6 मंदिर इन्हीं का है, ये सुनिया है, वो ऊपर वो है। बाबा सोच के रहने, तपस्या कहने हमारी भारी करते करते ही है, जमीन भूम जगह रहने, 88,000 इनका चेला रहने। कितने? 88,000 इनके चेला थे, इनके रोमा थे। हाँ, इनके रोमा से पैदा हुए थे। हाँ, तपस्या जितना कर उतना तपस्या से अपने प्रकट किए थे। अच्छा, चेला बना लिए। अरे पूरा हमारे बेलवा गांव है, पूरा एक पचकोसी जी के कहने, 5 कोस में पूरा। रामचंद्र जी आए थे यहाँ, जो ब्रह्महत्या उनको लगे हुए मुरियार का, जो स्थापित किए रामचंद्र जी। तो बाबा आपके, आपका नाम क्या बाबा? हमारा नाम बच्चा है, ग्राम से नाम हमारा है राम मूरत, यहाँ गुरु के नाम से हमारा राम दयाल दास। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? अब सरकार उम्र या होए 60 से ऊपर है। अच्छा, कब आए आप यहाँ पे? यहाँ सरकार हो गए हमने 40-45 वर्ष। 40-45 वर्ष से यहाँ पे? हाँ सरकार। अच्छा, मजे के लिए तब आए लिए। हाँ, जब बच्चे सयान हुए तब आए। हाँ, वो सप्ताह में 3 साल 2 साल कम। ये दुर्वासा, तो क्या बदलाव आपने देखा? जब पहले आप आए थे तो तब कैसा था यहाँ पे? हाँ बच्चा, बदलाव बहुत हो गए। पहले जब आए थे तब क्या था यहाँ? ये बस एक ही रहा, बस यही था, एक ये रहा, बाबा का स्थान रहा, मंदिर के बनोले। कहाँ पे? रोड के उस पार, ये बड़का बड़का मंदिर वो पार है, तो दुर्वासा जहाँ पे जो टूटा हुआ शिवलिंग है वहाँ पे। हाँ, ये अच्छा, सर महादेव है, दुर्वासा जी महाराज जी स्थापित किए थे, उनका ही पूजा की। तो सबसे पहले वो मंदिर था और ये था। हाँ, पहले ये था कि वो था? नहीं, वो था पहले, वो था बाबा तपस्या के प्रभंश है, तब यहाँ बने। हाँ, ये तो तपस्वी है, तब आपके सामने था ये सब दो चीजें बस। जी जी, हम लोग आए ना, हम तो पहले शिव जी का था। हाँ, फिर ये बना, इसके बाद पीछे राम जानकी का एक था, फिर दूसरा बना। हाँ, वो किसने बनवाया? बनिया। अच्छा, फिर 3 मंदिर हो गए, फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी उसके बाद बना। हाँ, कितने साल पहले की बात है? इनके हाथ का हनुमानगढ़ी प्रबंध के हाथ। हाँ, बच्चा ये हमारे लड़के के पहले बना। हमारे लड़के, अरे फिर भी 30-40 साल 50 साल करीब 100 साल तक। हाँ, हमारे लड़के ही बना लो। नहीं, आप तो 45, अभी आप बता रहे हो 60 साल के ना। हाँ, तो आपसे पहले ये थी वहाँ पे। हाँ, मैं यही सुनिए मेरी बात, पहले आप 60 साल से हैं। हाँ, पहले का, पहले का। हाँ, तो आपसे पहले का, तो बस आपको कहानी में बताया गया कि पहले वो था। हाँ, फिर ये मंदिर आया। हाँ, फिर इन बाबा ने हनुमानगढ़ी बनवाई, फिर उसके बाद ये 5 मंदिर बने हैं इनके अंदर। ये 5 मंदिर भी जल्दी बने हैं, विश्वकर्मा मंदिर और रविदास मंदिर। हमारे लड़के ही बना है ये, आपके लड़के ने बना है? लड़के ही में बना, हमारे बचपन। अच्छा, आपके बचपन में बना है। तो ये सभी लोग अलग अलग होंगे, एक ही लोग हैं? हाँ, ये दुर्वासी अलग है, अलग अलग है दुर्वासा। हाँ, बाबा का स्थापित कह के लोग जमीन पा गए, राजा लोग रहने, आसामी रहने, दैदा रहने, कहने लगा साधु पूजा का। ये परमहंस का जो है समागम इन्हीं का है, दुर्वासा जी का। अच्छा, फिर उसके बाद ये बाकी मंदिर बने। अच्छा, ये एक मंदिर नदी के उस पार है, वो कौन सा मंदिर है? संगम। हाँ, संगम,
संगमवा पहले छोटा जुर्माना था नहीं जो ओ साइड संगम के हाँ ओ दुर्वासा ऋषि का मूर्ति स्थापित कर उस समय जो सर गिरधर राजा रहने जाते मूर्ति बैठाओ कहे साहब जो मूर्ति बैठाता है तो उसका जो है सुफल नहीं होता है तो दुर्वासा ऋषि दुर्वासा बाबा तो वो बस उनके छह लड़के में साहब तक खत्म हो गया हाँ। तो मूर्तियाँ उठा के नदियां धकेले लगवाए हाँ। मूर्तियाँ तो फूट गई जब हाँ। तो पुराने रघुनाथ रघुनाथ दास साधु रावत कहने साहब हम मैं दे जा ले जा कुछ दिन है भूषा भेज दे रहे जब उनका राज खत्म तो स्थापित दुर्वासा के नाम से कह रहे अच्छा नदी के ऊपर कह देना तो वहाँ पे पूजा पाठ होती है हाँ वही करते हैं महाराज जी करते हैं महाराज जी है वहाँ पे आज वो जड़का महाराज है उज्जवल हो गए अभी हाली उनको उज्जवल हो गया हाँ उसको कर्म कर दिए तो आपकी उम्र 60 है और आपकी कितनी होगी बाबा हमारा 75 है 75 है अच्छा अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया बाबा बहुत बढ़िया बाबा ये बहुत बढ़िया काम है ये देखिए बाबा ने हमारी संस्था को आशीर्वाद के रूप में 10 रुपये दे रहे हैं धन्यवाद बाबा क्या नाम है बाबा आपका अब हमारा नाम तो रामदयाल दास है क्या है प्रभु का दास है वो नाम है बस इन्होंने विश्व मुक्त भारत अभियान को अपने ये सहयोग दिया है जी प्रभन जी का है ये अच्छा ये प्रभन जी बाबा की तरफ से भी धन्यवाद बाबा प्रभन जी का है जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा राकेश कुमार पांडे है राकेश कुमार पांडे हाँ बहुत बढ़िया कर करना पड़ेगा सबको जहर मुक्त मैंने आपको अभी दिखाया आप 75-60 और मैं ज्यादा बीमार हूँ अगर मैं चलने लगता हूँ तो मेरा छाती फूलने लगती है तो हम अपने बच्चों को क्या देके जाएंगे कुछ नहीं हम अपने बच्चों को जहर देके जा रहे हैं झगड़ा दे रहे हैं जहर जहर खेत में जहर खाने में जहर हवा में जहर पानी में जहर और ये सारे जहर जब हमारे शरीर में जाएगा तो क्या होगा मेरे जैसा कोई बीमार बच्चा होगा तो आप क्या सोचते हो कि आपकी जनरेशन आगे जा पाएगी नहीं तो यही हमारी कोशिश है कि आने वाली जनरेशन को हम कुछ शुद्ध हवा दे सकें शुद्ध पानी दे सकें एक ऐसी पृथ्वी दे सकें जहाँ पे वो वापस उन चिड़िया पक्षी को देख सके उन पेड़ों को देख सके जी और वापस वो सुख संपत्ति आ सके ये कोशिश है सब में बहुमता साहब कैसे दूर होगा बहुमता कोशिश जब दुर्वासा जी आए थे तो अकेले थे जब दुर्वासा जी आए थे अकेले थे आज इतने सारे अनुयायी हैं आपने बताया कितने सारे तो अगर वो सोचे होते कि नहीं होता तो आज इतना भव्य जगह बन पाता नहीं। तो हम शुरुआत की ही कोशिश है एक छोटी हम भी बाकी लोगों की तरह आए हम ही समय में चले जाएंगे देखे गए लेकिन नहीं गए जी किसी साधु को महंत बनाए नहीं।, नहीं जी ये जो जहाँ पाया वो अपना लूट लेट के जहाँ तहाँ एरिया में बन रहा है ये बाढ़ वाले इलाके में बन रहा है बाथरूम जो की फैलाएंगे यहाँ पर और जो की बहुत नीचे है ये लेवल है इस लेवल से इतना नीचे है टॉयलेट बना हुआ है और स्थानीय लोगों का मानना बताया गया है स्थानीय लोगों ने बताया वीडियो को बताया किसको बताया ठेकेदार को आपने बताया कि ये बहुत नीचे है और ये टॉयलेट बनाने का कोई पर्पस नहीं है पानी लग जाता है यहाँ पे बाढ़ का पानी लग जाता है तो कृपया इस पे जो उचित कार्रवाई हो वो करें और इस टॉयलेट को थोड़ा ऊपर बनाएं नहीं तो टॉयलेट बेकार में बन जाएगा और पैसे बर्बाद हो जाएंगे दुर्वासा ऋषि आजमगढ़ क्या करिए लोक भारती का एक अभियान है कि वर्षा जल नदी जल तालाब का जल कुएं का जल हमारे गढ़ा गढ़ई ताल इसके जल ये जब तक भरे रहेंगे तभी हमारी नदी ठीक से चल पाएगी जगह जगह बोरिंग सबमर्सिबल लगा के लोग कर रहे हैं खेती वो गलत खेती का पैटर्न वो अलग बात है उस पर अलग से चर्चा होगी लेकिन सब उड़ाते जा रहे हैं भर कोई नहीं रहा है आज जैसे हम देख रहे हैं नहाने आ रहे हैं लोग कपड़ा ही छोड़ के चले जा रहे हैं उनका हाथ टूटा हुआ कपड़ा लेके जा नहीं सकते वहाँ पर कहीं बाहर फेंकने के लिए नदी क्या नाला बन गया है मैल भी गिरा रहे हैं गंदा भी छोड़ जा रहे हैं चल के चल जा रहे हैं यहाँ पर कोई मतलब नहीं परंपरा के साथ तो परंपरा में थोड़ा सा आप लोग विचार करें विद्वत मंडली विचार करें कि वो जो छोड़ के जा रहे हैं उसको किसी स्थान पर उसको ठीक से उसका निस्तारण करें ये हमारी परंपरा का मानने का मतलब नहीं कि माँ तमसा को हम गंदा करके वो हमारी माँ हैं अपनी माँ को अपमानित करने के लिए परंपरा नहीं होती उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए क्योंकि ये पूरा आर्यमगढ़ जी रहा है इस नदी के पानी से हमको ये फिक्र नहीं ये जुड़ाव नहीं हम महसूस हो रहा है सब लोग खा कमा रहे हैं और
मरते जा रहे हैं जीते जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये पूरा जीवन ही माँ तमसा के कारण ये क्षेत्र बसा हुआ है। इनकी कोई किसी को फिक्र नहीं है। तो इस पर हम नदिया तो गंदा हम ही आप कर रहे हैं, यही बतिया कर रहे हैं कि जब माँ मानेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कुछ ये होता है चलिए वहाँ कपड़ा छोड़ने के लिए, अरे कपड़ा तो और जगह छोड़ा जा सकता है, लाश जो जलाई जा रही है नदी में यही इसको थोड़ा इस चेतना की यात्रा आ रही है। ये चेतना कैसे है जैसे हम मान लीजिए हमको जिम्मेदारी आप दे रहे हैं, हम किसी को अगर बोलेंगे झगड़ा करेंगे हम नहीं, नहीं यही करें जब ये लगातार हम संवाद करते रहेंगे बातचीत करते रहेंगे। आज आपसे बात हो रही है, हो सकता है अगली बैठक में आपके साथ 50-60 लोग और आएंगे वो भी सुनेंगे। सरकार गंगा जी में फूल पर कोई चीज फेंकने पर जो वहाँ दंड लगता है हाँ, तो इस पर जितनी चर्चा होगी बातचीत होगा तभी लोग के मन में बिस्वी बिस्वी नदी है, मढ़ा मढ़ा को बिस्वी कहते हैं। नहीं मढ़ा अलग है। अच्छा अच्छा मढ़ही नहीं बिस्वी, मढ़ा और बिस्वी। तो ये आपकी बात, इसीलिए हम लोग संवाद आपस में मित्रता के माहौल में सब लोग अपनी बात कह रहे हैं लेकिन सब दूसरे के सुन भी रहे हैं, और फिर जब एक निर्णय हो जाता है तो सब लोग मिलकर पालन करेंगे। निर्णय के पहले सब अपना अपना पक्ष रखेंगे और जब निर्णय हो जाए तो हम सब मिलकर पालन करेंगे। उसी दिन से हम लोग के विचार बदल जाएंगे और नदी के विषय में हमारी जिम्मेदारी भी बदल जाएगी। तो अच्छी बात है। तो यही एक संवाद की स्थिति आ रही थी। गंदगी घर में ही मान लीजिए आप 9 दिन पूजा किए, इतना कूड़ा का बड़ा होता ला कर दिए हैं तो इसके इसके विकल्प बोलने पर या नहीं। दो चीज है। सुल्तानपुर में ही होता था, उन लोगों ने गोमती नदी किनारे क्या किया, कुंड बना दिया। आप जो कुछ ले आ रहे हैं यहीं पर डाल दीजिए तो कुछ यहाँ भी व्यवस्था बन जाएगी। तो जब 10 लोग बाहर से भी जुटेंगे पहले के अनुभव वाले तो आपके बीच में आएंगे। अब एक समाधान अगर मिल जाता है तो आप लोग मान लेते हैं कि समाधान बढ़िया है, तो परंपरा भी हो गई, समाधान भी हो गया और माँ तमसा सुरक्षित भी हो गई। तो ये यात्रा का उद्देश्य यही है। पानी कहाँ से आएगा? नहर से पानी आता है? नहीं नहीं, वो पानी यहाँ पहले आता था, कहाँ गया पानी? अभी वही यही प्रश्न उठा रहा है, यही बात आ रही, यही बात उठ के आ रही है कि पहले तमसा नदी अपने आप में सक्षम थी, किसी पर निर्भर नहीं थी। और यहाँ का एक सुनिए बंधु, पानी का बहाव कौन लेके आएगा? आप कहिए, आप सही कह रहे हैं। पानी का बहाव पहले था इनके पास, वही वही नहीं तो पहले जो है पानी का, आप बात कर रहे हैं तो सही कह रहे हैं। पानी का जल का स्तर पहले ऊपर, आज पानी का जल का स्तर नहीं मालूम है, लेकिन क्यों हुआ है वो कारण हम बता रहे हैं कि पानी कर रहे हैं। हाँ ये यही बात है, राइट यही बात है। तो ये विचार, ये विचार अगर हम लोग के मन में आ गया, ये होता है ना कि बीमारी का डायग्नोसिस कर लिया हम लोगों ने, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पानी को कैसे बचाएं। घर घर अगर पानी बचाना शुरू कर दे, अब कहेंगे घर घर कैसे बचाएगा, छत का पानी बटोर लिए, खेत में मेड़ बना के बटोर लिए, अगल बगल के क्षेत्र में पानी का अगर बटराव शुरू हो जाए तो यहाँ नीचे पानी बटराएगा तो फिर हमारी नदी के नीचे भी नदी बहती है। सोता आप जो बता रहे हैं कि सोता ऊपर से भी आता था, सब सूख गया, इसलिए सूख गया कि गंदगी फैल गई, पेड़ पौधे काट दिए गए। पहले बात पूरा कर लें फिर अगला प्रश्न पूछे बताएंगे उसको, क्यों पानी क्यों गया है बता रहे हैं। पानी का दोहन होने, पानी का चरित्र क्या होता है, वर्षा का जल जाता है पेड़ों की जड़ों को पकड़े पकड़े अंदर जाता है, पेड़ खत्म हो गए और पानी रोकने की प्रक्रिया खत्म हो गई, बह के सरसरा के बाहर चला जाता है। हमें जरूरत है साल भर, वो एक बार वर्षा में बाढ़ आई और पानी धड़ा के बाहर निकल गया, हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम गली गली में रोकेंगे, घर घर में रोकेंगे, तब तमसा में पानी आएगा, तब हमारे सोते फिर से फूटेंगे, जहाँ ये किया गया है फिर से फूटना शुरू हो गया। आप हमारे तो यही सब चर्चा हम लोग बैठेंगे और जिन्होंने किया वो बताएंगे आपको कि हमारे क्षेत्र में इतना हो गया। मोबाइल नंबर विदेशी कंपनियां या बाहर कंपनियां आपको बता देती हैं कि पानी अगर बलराम जी ने कहा था
कि कुएं से नीचे पानी मत लीजिए भैया। भैया सुनिए, बलराम जी का एक निर्देश है महाभारत में कि नदी ऊपर के पानी का उपयोग करिए, बहुत आपत्ति होती है तो एक तल नीचे जाइए, इससे जागे वो भी उसके आदि मत बनिए, नदी का ही उपयोग करिए, वर्षा जल का उपयोग करिए। आपातकाल में तो हम कुएं तक चले गए थे साफ पानी के लिए, तो अब स्थिति यह है कि कुएं के नीचे गए, उसके भी नीचे गए, उसके भी और नीचे चले जा रहे हैं, 200-300-400 फुट तक जा रहे हैं, वो हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो पानी जो है जहरीला पानी होता है, जितना नीचे जाएंगे उतना जहरीला पानी, तो इस पर हम अलग चर्चा करेंगे। तो ये नदी की जब कारण हमें पता चल गया तो हम लोग योगदान कैसे कर सकते हैं, वर्षा के जल को संचयन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अपने भी जीना है और तमसा नदी को नदी नहीं मानते हैं, अपनी माता मानते हैं। ये मातृभाव जब तक उपयोग नहीं हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम इसी तरह से व्यवहार करते रहेंगे, ये चर्चा से काम होगा। अभी जो हमारी यात्रा आ रही है ये चैत प्रतिपदा प्रदा जो नवरात्रि का प्रथम दिन है, उसी दिन झूले लाल जी का भी जन्मदिन है। झूले लाल जी वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं, इन्होंने जब दाहिर का आक्रमण हुआ था, गुलाम हो गए थे, तो झूले लाल जी आए थे, फिर सिंध को फिर से हिंदू क्षेत्र में बदला गया था, रिवाइव हुआ था। तो वरुण के अवतार के दिन से वरुण गंगा नदी जल से संबंधित हैं और अक्षय तृतीया तक एक महीने का ये कार्यक्रम हम लोग, यही तमसा नदी की नहीं जितनी भी नदियां हैं उत्तर प्रदेश में वो कर लेंगे, संभाल लेंगे थोड़े से दो मिनट बाद, जितनी भी नदी है, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी बावली है, जितने भी गड्ढे हैं, सबकी संरक्षा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम हो रहा है। हम ये इंजीनियर राकेश जी मिले, लखनऊ आए से बात हुई, इनको इनसे मिलने हम यहाँ आए तो यहाँ तमसा नदी दिखी, ध्यान आकर्षित हुआ, फिर जाने की कोशिश की गई, फिर प्रोफेसर तिवारी मिले, इन्होंने बताया, तो ये प्रश्न को लेके लखनऊ में बात हुई कि हम तमसा नदी का पूरा गोमती नदी की यात्रा हमने की है, 800-850 किलोमीटर है, तो तमसा नदी उसका परिणाम अच्छा आ भी रहा है। तो तमसा नदी की पूरी यात्रा करके जहाँ जहाँ लोग हैं आसपास सबके बीच में संदेश को चर्चा किया जाए, सबको वहाँ पर एक लोकल तमसा मित्र मंडल बन जाए, माँ समझ के उसके लिए अपने दायित्व को उनको फिर जगाना है। उस प्रक्रिया में सरकारी लोग भी जो जुड़े हुए हैं उनसे हम तभी ठीक से कह पाएंगे जबकि आप लोग वास्तव में यहाँ की चीज़ों को ठीक से बता पाएँ, लिख पाएँ और जोड़ के बता पाएँ। सरकारी आदमी 3 साल के लिए आता है, ट्रांसफ़र होकर चला जाता है, आपकी पीढ़ी तक पीढ़ी यहीं रहेगी, जितना बढ़िया आप बता पाएंगे उतना सरकारी, सरकार के पास पैसे का रेगुलेशन है, आपके बताने पर दोनों के बीच में मिल के बातचीत होगी और एक कार्यक्रम ठीक से होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है जो स्थानीय लोग हैं। 165 किलोमीटर पर हो सकता है कि 8 या 10-12 पड़ाव पड़े, 3-4 घंटे आपके बैठे, अगर रात को रुक गए तो आप कहाँ रहेंगे, अगर सवेरे चलते हैं तो बीच दोपहर में जहाँ रुकेंगे वहाँ भी रुकेंगे, तो 3-4 घंटे एक एक पड़ाव पर हम लोग रुकेंगे। 165 किलोमीटर में लगभग 20 पड़ाव होंगे, तो पहली बार में 20 जगह पर 7-8 दिन में हम लोग घूम के 20 जगह लोगों से बात करेंगे। अब वही लोग अपने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, जैसे कि 30 किलोमीटर हुआ, 20 किलोमीटर यहाँ बात की यहाँ के बीच में, अब 20 किलोमीटर बच गया, ये इधर के 10 किलोमीटर इधर के 10 किलोमीटर, 1 साल में 2 साल में 3 साल में ये इनको जुड़ के यहाँ फैलेंगे, इधर वाले इधर फैलेंगे, तो पूरी तमसा यहाँ से वहाँ तक की श्रृंखला में जितने भी ग्रामीण लोग होंगे आज नहीं कल उसमें एक में बधेंगे। हम बहुत आशावान हैं, गोमती का रिजल्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, करीब 4-5 साल से लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कर सकते पूरी सफलता मिली है, लेकिन अब जो बिगड़ने का ट्रेंड जो है वो ठंडा हो गया है, अब बनने का ट्रेंड शुरू हो गया है, तो हो रहा है। उसी आशा के साथ हम लोग तमसा नदी को लेने जा रहे हैं, और वो तमसा नदी हम लोग कौन है, एक मैं हो जाऊंगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लोग भारती में 10 आदमी हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इंजीनियर साहब डॉक्टर साहब हो जाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जब हम हजारों लाखों की संख्या में हो जाएंगे तभी अंतर पड़ेगा, उसी की एक शुरुआत हो रही।
तो इस यात्रा में तिथि हम लोग बता देंगे। और आप लोग जो क्योंकि इंजीनियरिंग स्किल इनके पास है, ये फ्लाइट के इंजीनियर हैं, जहाज़ के इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग कोई भी पढ़ेगा तो बेसिक चीज़ तो पढ़ता है, बाद में अलग विशेषता के बनता है, तो गणित भी आती है, डिजाइन भी आती है, तो इसको एक समझ इनकी है, उस तरह का एक दिमाग भी है। डॉक्टर साहब हैं, चिकित्सा के हैं, ये भी पढ़े हैं, हमारे बीच में भी एक से एक प्रतिभावान लोग होंगे। अब आप सब लोग मिल के विचार जब करेंगे तो किसी के पास प्रतिभा है लिखने की, किसी के पास प्रतिभा है कंप्यूटर में बनाने की, किसी के पास प्रतिभा है पांच लोगों को जोड़ने की, किसी के पास प्रतिभा है कि उस काम को कर दे। अगर हम इंजीनियर साहब हैं, इनसे कहा जाए कि आप प्लास्टर कर दीजिए तो नहीं कर पाएंगे, प्लास्टर कैसे किया जाता है कर पाएंगे, लेकिन जो मिस्त्री जो लगातार काम कर रहा है वो जितना बढ़िया प्लास्टर करेगा उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो सबके पास गुण है, सबके पास शक्ति है, सबके पास कुशलता है, जब सब लोग मिलके उसमें लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये भाव से हम लोग आपके पास आ रहे हैं, तो एक तैयारी यात्रा है हमारी हम लोग की आपके पास जुड़ने की। तो अभी जैसे आपने बताया शौचालय की बात हुई, नीचे आ रहा है कोई सुन नहीं रहा है, इस समय ये मैटर कमिश्नर के पास चला गया, डीएम के पास चला गया, और वो ट्वीट पर रोज देख रहे हैं हम लोग को, और ये बता भी दिए कि अगर ऊंचा कर देंगे तो काम, समाधान भी दे दिया, अब इंक्वायरी आ जाएगी। क्योंकि दुनिया में 168 देश में घूम के आए हैं ये, तो इनको मालूम था 2 मिनट, हम लोग भी हमसे पूछ रहे थे, हम भी कुछ समाधान समझ में नहीं आ रहा था, इनको पता चला 2 मिनट में भेज दिए। अब विश्वास करिएगा आपके मोबाइल पर उसका उत्तर भी आ जाएगा, ये आपको भेज देंगे। अब उस आदमी का पता चल जाएगा कि जो ठेकेदार यहाँ बोल रहा है कि मैं ही बाप बना हूँ, किसी को कुछ पता नहीं है, अब वो ऊपर तक बात चली गई। कल डीएम साहब आए, उनके कार्यालय में जाके हम लोगों ने बोला, वो बोले कि हम शाम को सभी विभाग को लेकर आ रहे हैं गौरी शंकर मंदिर पर, वहाँ इसकी चर्चा करिए। शाम को आए तो पूछे वो लोग कहाँ गए जो लोग आए थे ऑफिस में, बात आप लोग किए, देखे तो फिर बात करके पूरा आपके वीडियो में भेज देंगे, डीएम साहब क्या क्या बात की। अब वो उतने से काम नहीं चल रहा, उसको और आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आपको पूरे, और ये जो चीज़ भेजते हैं करीब 10 लाख लोग दुनिया में देखते हैं, ये अखबार वाले नहीं हैं, कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये इतना पैसा कमा चुके लगे कि हम 17 साल के बाद अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ करना है। तो इनको तमसा से जोड़ने का मतलब हो गया कि ये पूरी 165 किलोमीटर की तमसा के लिए जोड़ दिए गए। उसी तरह से आप लोग भी अब जुड़ जाएंगे, आप लोग यहाँ तो करेंगे ही करेंगे, पूरी तमसा के जहाँ भी काम हो रहा है उससे जुड़ेंगे, और गंगा जी में मिलेंगे तो गंगा जी का भी जो काम होगा वो भी आपका काम है, क्योंकि आपने गंगा जी को तमसा के माध्यम से जल का प्रवाह करने में आपका भी योगदान है। दुनिया में जितनी भी नदी हैं, भारत धार्मिक देश है, सबको गंगा ही बोलते हैं। गंगा 100 मुखी है, तमसा 12 मुखी है, 100 मुख का मतलब कि गंगा में 100 तरह की नदियाँ आती हैं, तमसा 12 मुखी है, तो हो सकता है कि मेरा एक अनुमान है कि 12 तरह की प्रमुख नदियाँ इससे जुड़ी हैं किसी न किसी रूप में। संगम इसीलिए होता है, छोटी बड़ी होते, तो ये मुख का मतलब है कि सब लोग आके इकट्ठा हो गए यहाँ, चाय ठंडी हो गई ठीक। तो ये निवेदन है, इसी पर आप लोग आपसे चर्चा करने आ रहे हैं। तो आपकी जो समिति यहाँ पर है सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 100% सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर लोग आपसे जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जो बच्चे हैं उनको भी जोड़ लीजिए, और खुले मन से यथाशक्ति सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हुए जो बन पड़े, मन से, वचन से, कर्म से, माँ तमसा के लिए हम लोग को काम करना है, काम करना है, और माँ भाव के रूप में काम करना है। माँ ने हमें जन्म दिया है, माँ वृद्ध हो जाती हैं, माँ के कोई दशा जो बच्चे संभालते हैं, हम इनके बच्चे हैं, हमारा दायित्व तो है कि कोई भी अनजाने में भी कोई, जरा हम देख रहे हैं आप क्यों बैठे हैं, आप गंदगी क्यों कर रहे हैं, सबका दायित्व तो है, लड़ना नहीं है। लड़ रहे हैं तो भैया ठीक है, ये आपकी माँ जी हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आप अपनी माँ के साथ ऐसा करेंगे, उस पर भी लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के जो भगवान जब आपको बुद्धि देंगे तब ठीक होंगे। लेकिन उस समय नहीं लड़े तो उनके दिमाग में आदमी है ना, सोचता है 2 दिन के 4 दिन के बाद जब भी समझ में आएगा अगली बार से उसका व्यवहार रुक जाएगा, तुरंत परिणाम नहीं आएगा। अब आपसे बात की है, कल मैं आऊँ, हो सकता है 2 आदमी ना मिले, तो हम कहें बताइए लोग बोले थे नहीं मिले, अरे हमारे कोई पैदाइशी जब जन्म से जुड़े हुए, 10 मिनट बात की तो हमारा अधिकार है कि हम हमारी बात मानेंगे, जब आपके मन में आएगा तो मानेंगे।
तो सबका अपना व्यक्तित्व, उस भाव से एक बड़े धैर्य से चलेंगे, साल दो साल के अंदर में पूरा दृश्य बदल जाएगा, सरकारी महकमा आपको बता के काम करेगा। यहाँ अपना नाम बता दें और हम ग्राम से बोल रहे हैं, तामसा मंजूषा के पावन संगम पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं और इस तपोस्थली की स्वच्छ बनाने में सभी लोगों का सहयोग रहना जरूरी है। जो लोग गंदगी करते हैं उनसे भी हम लोग की जिम्मेदारी है कि कहा जाए कि उनसे कि आप लोग सफाई पर विशेष ध्यान दें। कूड़ादान रखा जाता है उसमें लोग नहीं फेंकते हैं, बाहर फेंक देते हैं, फुलवाड़ी लगी रहती है उसको डरिए तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ये सब न किया जाए। मंदिर में सफाई हो, अगरबत्ती बाहर जलाया जाए, तपोस्थली है यहाँ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। और गंदगी तो बहुत लोग करते हैं, लाश फूकने आते हैं, जबकि हमारे वेद शास्त्र में ये लिखा गया है कि अशुद्ध काम करने पर आपको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, आप नहाइए निकल जाइए, मंदिर में लोग दर्शन करते हैं, घंटा बजा देते हैं, ये सब जो है इस पर विशेष जागरूक होना है। हम इतने कहेंगे कि सभी लोग इसमें सहभागिता बनाते हुए और प्रेम से समझाया जाए तो लोग बातें समझेंगे जी, और तामसा मंजूषा माँ को मानते हुए दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है, यहाँ जो है बहुत अच्छे अच्छे ऋषियों ने तपस्या किया और ये तपोस्थली है। इसकी मर्यादा रखते हुए हम अपनी वाणी को विराम रखते हुए सभी को धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कुछ। आसानी लोग में आपने कि आप देख करके खुद अनुभव कर सकते हैं यहाँ क्या कमी है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों से बुद्धिजीवी यहाँ कोई नहीं है, आप लोग यहाँ आकर के अनुभव कर सकते हैं ऐसे क्या होगा, कौन क्या करने लायक है, कौन नहीं करने लायक है, उस हिसाब से आप यहाँ आकर के ये टीम बनावें। उस टीम का सदस्य कौन कौन होगा, कैसे कैसे क्या होगा, हर जात के रहें, हर गांव के रहें, पंच कोसी है, पांच गांव के लोग रहें, तब इसमें एक दूसरे को देखने में, एक दूसरे का सहयोग करने में सभी लोग सामने आगे आएंगे। तो सब लोग को जोड़ने का काम यहाँ कौन करेगा, जो आप ही लोग करोगे, पंचकोसी के लोग, आप ही लोग, एक अधिकारी द्वारा ही काम किया जाएगा। अधिकारी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हमारे में से कोई भी व्यक्ति, जैसे जिला अधिकारी हुए, एसडीएम हुए, थाना हुआ, इन लोगों द्वारा नहीं। हम तो कह रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पे यहाँ का प्रस्ताव आप लोग बनाएं और आप लोग बताएं क्या क्या आवश्यकता हो, उस प्रस्ताव के बाद फिर आगे वाला काम जो है हर स्तर पर हम लोग करेंगे। लेकिन आँख आपकी रहनी चाहिए, आवश्यकता आप बताएंगे और आप क्या करना चाहते, कितना सुंदर बनाना चाहते हैं, ये जितना बढ़िया आप लोग सोच पाएंगे हम नहीं सोच पाएंगे। इस धर्म स्थान पर राजनीति लाना हमारे यहाँ समाज के लिए बहुत हानिकारक है। धर्मस्थान पर राजनीति नहीं आनी चाहिए, इस समाज की चीज है, समाज के स्तर से इसको सोचनी चाहिए और करना चाहिए। यहाँ पर तीन चीज़ें भाई सुबह से हम लोग देख रहे हैं। एक चीज़ हमने देखी कि ये पूरा परिसर इतना बढ़िया है, तो यहाँ जो जो जिस रास्ते से जिसको मना यहाँ घुस के चला रहा है, ये पूरा एक परिसर जो है, या विश्वविद्यालय में जाएंगे या कलेक्ट्रेट में जाएंगे, एक बाउंड्री बनी होती है, दो चार गेट लगे रहते हैं, किसी कॉलोनी में जाते हैं, लेकिन ये जो हमारी धार्मिक स्थल है, वो तो सांड भी लड़ रहे हैं, बकरी भी आ रही है, आदमी भी आ रहे हैं, अपने समाज के लोग भी आ रहे हैं, दूसरे समाज के भी लोग आ रहे हैं, जिनको कोई मतलबे नहीं है वो भी आ रहे हैं, जिनको मतलब है वो भी आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था इसको और भव्य बनाने का, एक संगठित रूप देने का, एक अच्छा रूप देने का, उसके विषय में क्या करना चाहिए हम लोग? ये इस सब बातों पर खुद हम लोग अपने आप जिम्मेदार हैं। यहाँ की गंदगी जो हो रही है हमारी खुद जिम्मेदारी है, उसको कैसे कर रहे हैं, कैसे सुधार करने के, क्या किया जाए, हमें अपने में क्या सुधार लाना पड़ेगा, सुधर जाए। हमको खुद अपनी गंदगी साफ करनी है। जैसे जैसे मन से, कर्म से, वचन से।
मन से हुआ तो माँ तमसा मानने लगे जी, तो मन में आ गए। अब कर्म से क्या करना है? कर्म से गंदगी है तो उसको साफ किया जाए या कराया जाए खाओ करके अपने। हाँ। और वचन से क्या करना है? वचन से क्या करें? वचन से सबको, अगर कोई गलत कर रहा है उसको कह दीजिए भाई आप गलत, और उसको अच्छी चीज सबसे उसका उपाय भी बताएं, तुरंत के मौका समस्या बताइए तो समाधान भी बताइए, आड़ में किसी की बुराई न की जाए, अगर बुराई की जाए सामने की, और सामने बात करें बिल्कुल ठीक है। और इसका परिसर को पूरा घेरने के लिए दो चार गेट बना के कुछ ऐसी व्यवस्था सोच रहे हैं? परिसर को गेट घेरा जा सकता है, घेरने के लिए मैं खुद तैयार था, लेकिन एक दो आदमी अपना निजी स्वार्थ के लिए उसपे बाधक बने, फिर उनसे संवाद करके तो बैठ के विचार करें। दो गेट बने, दो गेट बने, गेट के अंदर प्रवेश करते समय सीढ़ी बने, उतरते समय भी सीढ़ी बने, जिससे दो चक्का वाहन अंदर प्रवेश न कर सके। मतलब यहाँ पर केवल पैदल ही लोग आएंगे, बाकी लोग इसमें अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, दो चक्का वाहन किसी प्रकार के वाहन अंदर प्रवेश नहीं। और उसी तरह से गाय आ रही है, बकरी आ रही है, तो उसके लिए भी अगर रास्ते में होता है एक लोहे का लगा रहता है उनका खुर फंसता तो आते नहीं, नहीं नहीं उसके उसके लिए एक गोल चक्र होता है कि एक आदमी हल के आएगा दूसरा आदमी हल के आएगा, जब बहुत भीड़ होगी तब तो गेट खोलना, तब गेट खोलना होगा, मेले के दिन गेट खोलना जाए, अन्य के दिन वो चक्र वाला बनाया जाए जिससे आदमी एक घुस के निकलते, इसका मतलब कि बड़ा गेट भी बनाए और गोल चक्र वाला भी गेट बनाए, दोनों स्थिति रहे ठीक है। गेट लग जाएगा तो समाधान भाई पंचकोसी क्षेत्र में पार्किंग जिसको पैदल आके आए हैं, गाड़ी दिखाने के लिए नहीं ये जगह है, थोड़ा हाथ वो चले लोग अच्छी बात है, यहाँ पे हमेशा। अभी हम अंदर की बात कर रहे हैं, अभी बाहर की बात नहीं कर रहे, जो अभी वर्तमान में आ रहा है, यहाँ जो धर्म का स्थान है, धर्म स्थान जो है जमीन की मर्यादा पालन करें हम लोग पहले, उसमें कोई पार्क बन नहीं सकता है, और निजी लोगों की जमीन है वहाँ कोई पार्क बन नहीं सकता, पार्किंग हमारी समस्या नहीं, कोई ऐसी जमीन यहाँ नहीं है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं जिसे पार्क यहाँ बनाया जाए, जिसके पास बहुत वैभव है वो पार्किंग गया है, वो अपना इलेक्ट्रिक की गाड़ी ले है, तो जहाँ मन है अपना करे वो लोग। ये धाम के अंदर, धाम के अंदर की जमीन जो है, जैसे यहाँ पर धाम के अंदर 60 दुकान पार्किंग शायद हटाइए भाई सर, पार्किंग अभी थोड़ी देर पे रोक दीजिए आप, यहाँ धाम पहले यहाँ स्थान करिए। धाम के अंदर 60 दुकानें पक्की बनाई गई हैं जी, कोई तहसीलदार महोदय आए थे, बड़े कोई तहसीलदार महोदय आए थे, वो सबसे पैसा लेकर के 50,000 रुपया की 1,00,000 रुपया मैं सुना हूँ, मुझे देखा नहीं है, उनसे पैसा लेकर के यहाँ दुकान बनवा दिए, उसके बाद वो पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ आ रहा है उसको बारे में हमको कोई जानकारी है, मतलब ये यहाँ उसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। चलिए इस विषय को अब इतना बोलिए और अगली चीज बताइए इसके अलावा। नहीं ये तो हो गया, हम इसको सुंदरीकरण में हो गए, बाहर से गेट बन जाए और चक्र बन जाए इसलिए ठीक है। और कोई सुझाव यहाँ पर किस तरह के पेड़ पौधे लगाए जाए? छायादार वृक्ष लग जाए। नहीं नाम बताएं जो यहाँ होते हैं बाहरी नहीं, यहाँ पाकल लगाया जाए, बरगद लगाया जाए, पीपल लगाया जाए, इसके अलावा कोई फल लगाया जाएगा, पेड़ लगाया जाएगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। फूल की पौधा साइड में दोनों बाग, इतनी जगह है कि फुलवारी लग सके यहाँ पर, जब यहाँ पर बहुत लोग जुड़ते हैं लोग, तब भी क्या फुलवारी खुचली नहीं जाएगी? इस तीन पेड़ के अलावा कोई पेड़ यहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा। तो मैं फूल लगेगा तो सब लोगों को रोजगार मिलेगा, फूल आएगा यहाँ जमेगा और बेचेंगे, तो फुलवारी भी छोड़ दिए, पेड़ बड़े पेड़ जहाँ छाया मिले, फलदार पेड़ जो यहाँ पहले के होते रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पीपल, बरगद और पाखड़ माने जाते हैं, तो तीनों को एक एक मीटर एक एक हाथ की दूरी पर लगाते हैं, एक ही जगह रहता है, कोई ऐसा स्थान है यहाँ पर तीनों एक साथ लगाए जा सके? जी ठीक, आप जस्ट पीछे साइड है जी, धाम की जमीन है काफी चौड़ा लंबा है, वहाँ लगाया जा सकता। तो आपकी समिति कभी हम लोग को आप ही को लगाना है, अपने ही तीनों पेड़ को ले आना है, हम लोग ज्यादा आके बैठे रहेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ समित हमेशा विवाद में रहती है, विवाद तो बात करके समाप्त हो, विवाद की वजह से यहाँ कोई विकास नहीं होगा। नहीं हम लोग भी बात करेंगे, देखिए होता है क्या कि बाहरी लोग थोड़ा लोग सुन लेते हैं तो
तो वो विवाद समाप्त हो जाएगा, ये आशा रखें कि समाप्त हो जाएगा। एक विवाद गोस्वामी समेत किया है, एक मौनी बाबा, विवाद समाप्त हो जाएगा बातचीत करके। जब उनके मन में भी ये भाव आ जाएगा कि माँ तमसा के लिए काम कर, दोनों हल निकल जाएगा, यहाँ विकास हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत। मेरा नाम पंकज कुमार गिरी है, मैं दुर्वासा धाम का निवासी हूँ। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, आप जो कुछ और कहना चाहेंगे, आपने जितना बताया है उसके अलावा। यहाँ फुलवारी लगाई जाए, फुलवारी के विषय में बेटे ये बता रहे कि जगह फुलवारी के लिए कम है, अंदर थोड़ा सा लग जाएगा। मेरे बेटे मेरी बात सुनिए, अगर अगल बगल के किसान फूल बेचेंगे तो उनको तो रोजगार भी मिलेगा। यहाँ कोई उस टाइप का किसान नहीं है। करवा देंगे ना, नहीं है तो करवा देंगे, लेकिन इसको और सुंदर बढ़िया सा खूबसूरत बढ़िया जगह जगह की अधिक से अधिक लोग आके बैठे यहाँ पर। गेट बन जाए, जो गेट की बात हो गई वो तो, और कोई नई चीज बताना चाहेंगे। वो जो लाइटिंग बन रही है वो सही नहीं, वो बन रही है। आपने उसका उपाय कर दिया, सही से कराया जाए, वो बता दिया है, उसको भी करते जाएंगे। और कहने से नहीं, बार बार इसको मॉनिटर भी करेंगे, हर 5 दिन के बाद पूछेंगे भी। आप अपनी समिति में इनको। मेरा नाम पंकज कुमार गिरी है, मैं दुर्वासा धाम का निवासी हूँ। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। कुछ याद है, कुछ याद नहीं। आप जो कुछ और कहना चाहेंगे, आपने जितना बताया है उसके अलावा। सर यहाँ फुलवारी लगाई जाए, फुलवारी के विषय में बेटे ये बता रहे कि जगह फुलवारी के लिए कम है, अंदर थोड़ा सा लग जाएगा। मेरे बेटे मेरी बात सुनिए, अगर अगल बगल के किसान फूल बेचेंगे तो उनको तो रोजगार भी मिलेगा। यहाँ कोई उस टाइप का किसान नहीं है। करवा देंगे ना, नहीं है तो करवा देंगे, लेकिन इसको और सुंदर बढ़िया सा खूबसूरत बढ़िया जगह जगह की अधिक से अधिक लोग आके बैठे यहाँ पर। गेट बन जाए, जो गेट की बात हो गई वो तो, और कोई नई चीज बताना चाहेंगे। वो जो लाइटिंग बन रही है वो सही नहीं, वो बन रही। आपने उसका उपाय कर दिया, सही से कराया जाए, वो बता दिया है, उसको भी करते जाएंगे। और कहने से नहीं, बार बार इसको मॉनिटर भी करेंगे, हर 5 दिन के बाद पूछेंगे भी। आप अपनी समिति में इनको हो जाएगा। ये सर जो मंदिर का जो मेला धाम है, इसको सही तरीके से नपवा कर सुरक्षित किया जाए जी, और चिन्हित किया जाए पूरी तरह से कहाँ तक धाम है कहाँ तक नहीं है। तो पूरा दुर्वासा ऋषि कॉरिडोर बनाना है जी, दुर्वासा धाम कॉरिडोर जैसे बनाया जाता है। तो इनकी जितनी जमीन है जी, उसको पूरा सज करके जी, एक सुंदर शेप दे के दुर्वासा ऋषि कॉरिडोर के रूप में यहाँ विकसित किया जी। बहुत अच्छा बेटा, एक अच्छा बहुत अरु तक नहीं लगता है, यहाँ से लाखों रुपये की वसूली हो गई। अगर हो भी आती है तो आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से चेक
सरकार की जो दिशा है जाके आप ये मिल सकते हैं तो आप बिना साइड इफेक्ट के स्वस्थ हो सकते हैं। तो हम आप लोग को ये दवा देंगे। इसमें जो ये चार तरह के कलर दिए हुए हैं इसमें पहले दाल वाली दवा खाना है आलू के चार वाली ये दवा के करीबी नंबर है सबके लिए हो जाएगी 12-15 लोग इसमें से दे सकते हैं बच्चे दो गली और वयस्क जो है तब चार इसमें से चार दवाएं चार दिन खाना है सुबह खा लेते हैं पहले दिन लाल वाली है दूसरे दिन पीले रंग वाली है फिर हरे रंग वाली है फिर चौथे दिन हरे रंग वाली नीले रंग वाली तो ये दवाएं लेना है तो इस तरह से आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे कोई साइड इफेक्ट है यही पकड़े जाएंगे।